अध्याय 3421 से 3430। डॉट डॉट ये सब उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह था जिसने उसे खुद को मूर्ख बना दिया। सबसे पहले चाहे ये जिवेन ने कितना भी विरोध किया हो वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सका। जब तक उसने इसे दबाया तब तक उसने दूसरों को नहीं दबाया, लेकिन दूसरों ने उसे दबा दिया जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, इन ब्रशों के बिना चाकू के पहाड़ पर चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा कि उसने पहले छिपने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वह बेनकाब हो गया है और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अफसोस की बात है कि तुम बहुत जल्दी सीमा शुल्क छोड़ गए। तुम्हें ये सही लगता है? थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये जिवेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर बहुत उदासीन दिख रहा था। उनके शब्दों ने लोगों को ये भी समझा कि दोनों पक्षों के बीच कृतज्ञता और नाराजगी। मुझे डर है कि यह थोड़ी सी भी नहीं है, या तो ये जिवेन का अग्नि देवता पर घर घर जाकर हमला करना, या अग्नि देवता का द्वार द्वार डोर किल। ये जिवेन विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे डर है कि दो लोगों के बीच वे वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच अंतर करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, मुझे डर है कि इससे बड़ा भूकंप आएगा। ये जिवेन के पीछे पूर्वी तियानेजुन खड़ा है और स्वर्गीय अग्नि देवता जून भी दक्षिण तियानेजुन शिविर में से एक है। दोनों के बीच की लड़ाई को लगभग दोनों खेमों के बीच पहली टक्कर के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत दोनों पक्षों की निजी नाराजगी से हुई थी, लेकिन एक तरह से ये दो बड़े लोगों के बीच पहला टकराव भी था। स्वर्गीय अग्नि के देवता का चेहरा संतुष्ट नहीं था और उससे भी अधिक क्रोधित था। अतीत में ये जिवेन उसकी नजर में छछूंदर चींटी से अलग नहीं थी, अधिक से अधिक वो एक बड़ा छछूंदर ही था। यहाँ तक कि नया सम्राट जिसने स्वर्ग के सम्राट को खाने वाले राक्षस को मार डाला था वह भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं था। उस समय उनकी अपनी मूर्ति ये जिवेन को एक उंगली से कुचल सकती थी, लेकिन अब ये केवल 10,000 वर्ष से अधिक है। ये जिवेन ने उसे इतनी जोर से पीटा कि उसे जनता के सामने अपना चेहरा खोना पड़ा। दुर्भाग्य से आपकी ताकत चरम पर नहीं पहुंची है और यह आपकी सबसे बड़ी मृत्यु बिंदु है। स्वर्गीय अग्नि देवता ने शीघ्र ही उसके हृदय के क्रोध को दबा दिया। साधारण तीसरी दुनिया मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती, यही उसके दिल का सबसे बड़ा दंभ है। वह हनुमान का सम्राट नहीं है, इसलिए क्यूई और रक्त की कमी की समस्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और उसे फंसा नहीं सकती। अभी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया, मैंने अभी भी ये जिवेन को एक साधारण दिव्य प्रतिमा से मापा जिसने पहली बार पहले क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि अब स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होगा। स्वर्गीय अग्नि के देवता ने प्राचीन धर्मग्रंथों की एक श्रृंखला फुसफुसाई। एक क्षण में सारा ब्रह्मांड जल उठा। आग के दहन के तहत समय और स्थान ठोस क्रिस्टल में जल गए। 9 आकाश से बरसती हुई आकाशगंगा की तरह अनंत ज्वाला एक झरने में प्रवाहित हुई। उसके हाथ में न जाने कब गहरे लाल रंग की लंबी बंदूक थी। मुझे नहीं पता कि बंदूक की नोक पर यह कौन सा वर्ष और महीना था। बंदूक पर तियानेजुन का खून बूंद बूंद करके गिर गया। दूर से देखने पर यह बहुत भयावह था। ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है। कई लोग इस दृश्य को नहीं भूलेंगे चाहे कितने भी साल बीत जाएं। ये बेहद भयानक है और उनके दिलों में कलंकित है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी नियमों को अग्नि के नियम में संशोधित कर दिया गया है और उसे अग्नि के राज्य में बदल दिया गया है। ये भयानक है। तियानहुओ शेनेजुन वास्तव में गंभीर है। यह अभी जैसा नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से वुजुन को कमाका है। दो स्वर्गीय स्वामी हजारों वर्षों से स्थापित हैं, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। इतना बड़ा युद्ध इस जीवन में देखना कठिन है। बहुत से लोग स्वर्गीय अग्नि के देवता की शक्ति और भय की प्रशंसा और शोक कर रहे हैं। दोनों पक्ष अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, विशेषकर ये जिवेन। भले ही उसने अभी तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया हो, फिर भी वह सृष्टि जगत में सबसे शीर्ष देवता है जिसने तियानेगुआन की डकैती का अनुभव किया है। लड़ाई के इस स्तर को देखना वाकई बहुत मुश्किल है। ब्रश, अचानक स्वर्गीय अग्नि देवता ने अपना मुंह खोला और एक अथाह सुनहरी रोशनी उगल दी जो एक भयंकर हमले में बदल गई, दसों दिशाओं में फैल गई, बिजली की तरह चमकती हुई आकाश से होकर गुजरी और एक पल में ये शिवेन के सामने कट गई। आतंकवादी हमला एक पल में ये जिवेन पर पहुंच गया। भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली और बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने घबराहट से ये जिवेन की ओर देखा। इस समय तू जिवेन ने अंततः शुरुआत की और चिल्लाया, मार डालो। स्वर्गीय अग्नि के देवता के हमले के सामने वह कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। उसने लगभग ताओ को अवतरित कर लिया और गुस्से से पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। उसके काले बाल पूरे आसमान में उड़ गए।
प्रत्येक ने सीधे रास्ते के निशान को चिन्हित किया, जो अधिक से अधिक रहस्यमय हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने प्राकृतिक सिद्धांतों के साथ अपना पैर फेंक दिया, जिसने स्वर्ग के रास्ते के साथ मिलकर एक भयानक प्रकाश पर्दा बना दिया, जिसने स्वर्गीय अग्नि के देवता के प्रहार को रोक दिया। टकराना, ये ज़िवेन को तुरंत अपनी कांपती भुजा से महान शक्ति का एहसास हुआ और वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। ऐसा नहीं था कि तुम ज़िवेन शारीरिक रूप से कमजोर थे, बल्कि अग्नि के देवता की शक्ति सभी लाभों को कुचलने के लिए बहुत गहरी थी। तुम्हारा कौशल बहुत गहरा है। स्वर्गीय अग्नि देवता ज़ून ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली और वही ये भी महसूस कर सकता था कि ये ज़िवेन की वापस उछालने की क्षमता बहुत मोटी थी। मुझे डर है कि भले ही यह सामान्य तीसरे क्षेत्र का शिखर हो, ये बस इतना ही है। ये ज़िवेन की अद्भुत शक्ति ने तुरंत स्वर्ग की आग के देवता को चौंका दिया, क्योंकि ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से तीसरे क्षेत्र के शिखर पर कदम नहीं रखा है, क्योंकि वह मधुर और निर्बाध सांस को महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन ये ज़िवेन जिसने इसमें कदम नहीं रखा है, तीसरे क्षेत्र का शिखर तीसरे क्षेत्र के शिखर से कम नहीं, युद्ध शक्ति का विस्फोट कर सकता है, जिससे वह सबसे अधिक डरता है। झगड़ों की इस श्रृंखला ने उसे वास्तव में ये ज़िवेन के खतरे का एहसास कराया, कोई छोटा मोटा अलौकिक खतरा नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरा। अब वह वास्तव में तीसरे लोक में प्रवेश कर चुका है। यदि वह जारी रहता है तो यह अच्छा होगा जब वह तीसरे क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। उस समय भले ही वह स्वर्ग मार्ग को तोड़कर फिर से चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, मुझे डर है कि उसे मारना मुश्किल है। दुर्भाग्य से आपके पास तीसरे क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने का मौका नहीं है। आपको आज यही मरना होगा। स्वर्गीय अग्नि का देवता जोर से चिल्लाया और उसका हाथ अचानक उठ गया। उसके हाथ में मौजूद गहरे लाल रंग की लंबी बंदूक सीधे वार कर गई। लगभग एक ही पल में इसने हर चीज को छेद दिया। एक पल में स्टार नदी ढह गई, समय पीछे चला गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे, जहां बंदूक की लहर बह गई और सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो गए। वह मजबूत अतुलनीय रूप से भयानक हो गया और पुराने भगवान की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। किसी भी विस्फोट का परिणाम सितारों को मिटा सकता है। यदि वह सृष्टि की दुनिया में गोली चलाता तो यह अकल्पनीय होता और दुनिया नष्ट हो जाती। ये ज़िवेन ने इस शॉट के सामने बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई। उसके हाथ पर हर तरह के दस्ताने उभर आए थे और फिर उसने उन्हें थप्पड़ मारकर उतार दिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये ज़िवेन ने हथेली नीचे कर दी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति को लगभग अपनी हथेली पर संघनित कर लिया। यदि उसने इसे नीचे गिरा दिया तो एक अप्रत्याशित शक्ति होगी। टकराना, टकराना, टकराना। उन्होंने पाया कि यद्यपि स्वर्गीय अग्नि देवता अत्यंत शक्तिशाली थे, एक लंबी बंदूक से बह गए, सूखे और सड़ गए को नष्ट कर दिया और सब कुछ रह गया, ये ज़िवेन केवल दो मास हथेलियों और रहस्य के साथ स्वर्गीय अग्नि देवता के साथ आकर्षित करने में सक्षम थे। सर्वज्ञ हाथ और स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की। यदि यह कहा जाता है कि स्वर्गीय अग्नि के देवता ने अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ पार किया, तो तू ज़िवेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके लिए लड़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति खींची, विशेष रूप से ब्रह्मांड में तारे उड़ गए और अनगिनत में बदल गए प्रकाश की किरणें सीधे ये ज़िवेन की हथेली में और फिर बाहर गिर गईं। वह मानो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा था। अग्नि के देवता के हमले का पूरी तरह से विरोध करने के लिए उसके द्वारा तारों का उपयोग किया गया और उन्हें अंतहीन तरंगों में संघनित किया गया। त्यानहुओ शेनेजुन के सभी आक्रामक शब्द शुद्ध शब्द है। अग्नि के नियम के आधार पर उसे अजेय होना चाहिए। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़िवेन एक अपवाद है। वह एक जटिल व्यक्ति है, क्योंकि वह जिस रास्ते पर काम करता है वह बहुत जटिल है और इस वजह से उसे कहीं भी अपना घर माना जा सकता है और कहीं भी पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही यह आग का नियम है, तू ज़िवेन को इसकी बहुत गहरी समझ है और वह इसे पाने के लिए बहुत उत्सुक है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बेहद गर्म स्तर पर पहुंच गई है। ये ज़िवेन सृष्टि की सभी सड़कों और स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से बह गया, जबकि स्वर्गीय अग्नि के देवता ने धीरे धीरे अपने गहरे कौशल से बढ़त हासिल कर ली। इस समय दोनों पक्षों के बीच अभ्यास के वर्षों के बीच का अंतर अंततः पूरी तरह से परिलक्षित हुआ। कब 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 दोनों पक्षों के बीच टकराव से चिंगारी भड़क उठी, आग के समुद्र में बदल गई, बह गई और दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली वास्तव में अच्छी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसे कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। स्वर्गीय अग्नि देवता ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया और धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। वह ये कैसे नहीं देख सकता कि ये ज़िवेन का कौशल उसके कौशल से बहुत हीन है।
हालांकि वह तीसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर से कमतर नहीं है, फिर भी वह अपने हाथों में इतना बुरा नहीं जा सकता। हालांकि उसका दायरा गिर गया है, लेकिन दायरे के बारे में उसकी धारणा अभी भी बनी हुई है। उसके कौशल से प्राप्त लाभों की तो बात ही छोड़ दे, उसे ये ज़िवेन की युवा पीढ़ी को आसानी से कुचलने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि इसे भंग कर दिया गया और उसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से विरोध किया गया ताकि उसके कौशल लाभ को इस तरह से जारी न किया जा सके। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य की प्रतिष्ठा को नहीं जानता था। उन वर्षों में भाग्य के सम्राट की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट बाद में गायब हो गई थी। भाग्य के पूरे देव राजवंश में किसी ने भी इसे नहीं सीखा और इसे सीधे खो दिया। वह बस यह नहीं जानता था कि मार्शल आर्ट की मूर्ति कहां से आई। वह बहुत भाग्यशाली था, लेकिन मेरी पूर्ण शक्ति के सामने स्वर्ग और धरती का भाग्य भी आपकी जान नहीं बचा सकता। त्यानहुओ शेनेजुन ने ये ज़िवेन को अपने हाथ की हथेली में मारा और ये ज़िवेन को हिलाकर रख दिया। ये ज़िवेन ने जल्द ही अपने शरीर को हवा के बीच में स्थिर कर लिया। इस शॉट से उनके पूरे शरीर पर क्यूई और खून फैल रहा था। दरअसल जैसा कि स्वर्गीय अग्नि भगवान ने कहा था, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के ताड़ के रहस्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उनके कौशल द्वारा लाया गया अंतर अक्सर उनके पूरे शरीर के रक्त को बढ़ा देता है। स्वर्गीय अग्नि देवता वास्तव में भयानक है। वह उच्च स्तरीय विशेषज्ञ होने के योग्य है। यदि यह तीसरे क्षेत्र का एक सामान्य शिखर है, तो ये ज़िवेन भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का उपयोग किए बिना हवा नहीं खो सकते हैं। यदि वह भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का उपयोग करता है, तो वह ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है या उसे दबा भी सकता है। चौथे क्षेत्र में सामान्य गुरुओं के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह चौथे लोक के सामान्य स्वामी से भी अधिक भयानक है। ये पुराने त्यानेजुन का आतंक है। संचय और दायरे की समझ दोनों ही ये ज़िवेन से ऊपर है। अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा जैसा कि आपने कहा, तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास कोई तैयारी नहीं है? ये ज़िवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराया, उसकी हथेली पलट गई और उसके हाथ में एक विश्व वृक्ष फल दिखाई दिया। विश्व वृक्ष का फल अनंत नियमों की चमक से बिल्कुल स्पष्ट था और फिर उसने इसे एक ही बार में निगल लिया। स्वर्गीय अग्नि देवता ने भी इसे देखा, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने रुखाई से कहा, अब तुम्हारे लिए कुछ भी खाना बेकार है। भले ही तुम थोड़े समय में अपने कौशल में प्रगति कर लो, ये बेकार है। तुम इस युद्ध में मर जाओगे। वह जिसे मारना चाहता था वह एक सम्राट था। वह शॉट लेने से पहले ही तैयार हो चुका था, जिसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये ज़िवेन को मारने का उसका दृढ़ संकल्प अधिक दृढ़ था। यदि ऐसे लोग इसे जल्द से जल्द हल नहीं कर सके, तो परिणाम और भी अकल्पनीय होंगे। हाँ, ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराई। उसने केवल यह महसूस किया कि एक शानदार शक्ति तुरंत उसके सभी अंगों और हड्डियों में फैल गई। उनके कौशल में लगातार सुधार हो रहा था। उनके कौशल में सुधार के साथ साथ सड़क के बारे में उनकी समझ में भी कानून संबंधी बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उनके दिल में घर कर गईं। दुनिया के पेड़ों और फलों में बहुत सारी कानून संबंधी अंतर्दृष्टियां थीं। ये ज़िवेन के शरीर में, ये ज़िवेन को समझने में मदद करने के लिए उसका रहस्यमय स्थान तेजी से चल रहा है। इसलिए ये ज़िवेन लगभग निर्बाध कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। वह जहां आत्मसात करेगा, वहीं समझेगा। इस समय वह ज्वालामुखी फटने से पहले ही सब कुछ दबा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार जब ये टूट जाता है, तो शक्ति अकल्पनीय होती है। बूम! स्वर्गीय अग्नि के देवता ने एक और चाल चली। उसने अपनी गति फिर से बढ़ा दी और वह पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत होने वाला था। उससे निकलने वाली अग्नि के नियम ने एक अग्रणी आत्मा की तरह लगभग पूरी आकाशगंगा में सूर्य और चंद्रमा को बदल दिया। दूर दूर तक बहुत से लोग कांप रहे थे, विशेषकर सम्राट जो युद्ध देख रहा था। हालांकि वे लगातार खुद से कह रहे थे कि स्वर्गीय भगवान सिर्फ एक अधिक शक्तिशाली कृषक थे। जब उन्हें वास्तव में स्वर्गीय अग्नि भगवान का आतंक महसूस हुआ, तो उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। बेकाबू सिहरन, ये जीवन का बिल्कुल अलग स्तर था। ये भयानक है। ये बिल्कुल भी अकारण नहीं है कि अग्नि के देवता इतने वर्षों से दुनिया में अजेय और व्याप्त है। बहुत से लोगों को सिर्फ बाल महसूस होते हैं। ये ज़िवेन भी जोर से चिल्लाया। उनका विविध एवेन्यू समुद्र की तरह है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। चाहे कैसा भी आक्रमण हो, वह उसके समुद्र में ही गिरा। ये किसी काम का नहीं। उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक बड़े सरणी पर कदम रखा, जो अनगिनत गति कानूनों को दर्शाता है। ये गति नियम एक एक करके उभरते और प्रकट होते हैं इस विशाल सरणी में। एक पल में ये ज़िवेन की गति शीर्ष पर पहुंच गई।
उसने इन सड़कों के निशानों पर कदम रखा और उसी हथेली से उनका स्वागत किया। बूम, दोनों पक्षों में एक अद्भुत टक्कर हुई और शक्तिशाली लहरें 8 बंजर भूमि और 6 हॉमोनियों तक फैल गईं। हर जगह बड़े बड़े पतन हो रहे हैं, आसमान को चीर रहे हैं और मृतकों को नष्ट कर रहे हैं। सौभाग्य से ये स्टार नदी की गहराई में है, यहाँ तक कि कोई प्राणी भी नहीं है, अन्यथा दोनों हाथों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। दोनों के हाथ से एक के बाद एक दुनिया नष्ट हो जाती है। इस समय स्वर्गीय अग्नि के देवता स्वर्ग के मार्ग से संयुक्त हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक दिव्य भट्टी में बदल गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को लपेट दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को परिष्कृत किया। चारों ओर भयानक और अतुलनीय रूप से प्रज्वलित दिव्य अग्नियां पूरे वेग से जल रही थी और आसपास के सभी स्थानों को परिष्कृत किया जाना चाहिए। इस प्रकट दिव्य भट्टी ने ये जिवेन को सीधे निगल लिया और वह गहरे लाल रंग की लंबी बंदूक गोली चलाती रही, लगभग छेद कर दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर देती रही। ऐसा लगता है कि ये जिवेन पहले से ही खतरे में है। स्वर्गीय अग्नि का देवता वास्तव में अत्यंत भयानक है। निश्चित रूप से वो जून के लिए ताओवादी बनने का समय बहुत कम है। इस संबंध में वो पूरी तरह से हीन है। क्या बूढ़ा सम्राट सचमुच इतना भयानक है? क्या वो जून भी, जो सम्राट के युग में सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त है, विरोध नहीं कर सकता? इसे जल्द ही निगल लिया जाएगा। मैं वो जून की सांस को महसूस नहीं कर सकता। सभी ने तुरंत इसके बारे में बात की। पूरे परिदृश्य में इस समय तियानहुओ गॉड जून, जो उच्च स्तर पर सुधार हुआ है, ने पूरी तरह से लाभ पर कब्जा कर लिया। मूल में केवल थोड़ा सा बढ़त हासिल करने से लेकर अब पूरी तरह से लुढ़कने तक ये जिवेन बर्बाद हो गया है। लेकिन इस समय स्वर्गीय अग्नि देवता, जो एक दिव्य भट्टी में बदल गया था, थोड़ा सा हिल गया और फिर उसकी लौ दिव्य भट्टी अचानक टुकड़ों में फट गई। तभी उसने ये जिवेन को बाहर निकलते और पूरे आकाश में उड़ते हुए देखा। वह चिलचिलाती धूप की तरह पार हो गया और सीधे स्वर्गीय अग्नि के देवता की ओर लड़ पड़ा। उसके पास वापस लड़ने की क्षमता है। इस बात से कई लोग हैरान हैं। उनकी राय में तुजिवेन के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार स्वर्गीय अग्नि देवता की शक्ति बहुत गंभीर है। ये वह फल है जो आपने अभी खाया है। यह उसके कौशल में काफी सुधार कर सकता है। बहुत से लोग घूर कर देखते थे और याद करना चाहते थे कि तुम जिवेन ने पहले क्या निगल लिया था। ये निस्संदेह प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना था जो तियानजुन की शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। यदि उन्हें कभी कभार यह मिल सके तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत में काफी सुधार करने में सक्षम होंगे, जो कि वे सबसे अधिक चाहते हैं। ये जिवेन आग में नहाए हुए देवता की तरह हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाले एकमात्र शासक हैं। उनके प्रदर्शन से हर कोई दंग रह गया। एक सन्नाटा था, चाहे बादशाह हो या बादशाह, इस वक्त डरा हुआ लग रहा था। स्वर्गीय अग्नि के देवता बार बार पीछे हट गए। ये जिवेन के पलटवार ने सीधे उसके घेरे, पीछा और अवरोधन को तोड़ दिया, जिससे उसका घेरा और दमन शून्य हो गया। उसके चेहरे पर एक गरिमामय भाव उभर आया। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जिवेन ने जो फल निगल लिया, उससे निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी राय में ये केवल अल्पावधि में उनकी ताकत में सुधार करने के लिए था। हालांकि इस तरह की चीज जो अल्पावधि में तियानजुन की ताकत में सुधार कर सकती है, वह दुर्लभ थी, ये बिना नहीं थी। लेकिन तो जिवेन की ताकत भी थोड़ी अतिरंजित थी। उसने तुरंत अपनी घेराबंदी तोड़ दी। उसकी गति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वह फिर भी ये जिवेन को दबा नहीं सका। ये देखा जा सकता है कि ये जिवेन ने जो फल निगल लिया था वह बेकार था, लेकिन उसका चेहरा जल्द ही शांत हो गया। बाहरी ताकत से यह टिक नहीं सका। ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुके और उन्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अग्नि के देवता अब क्या सोच रहे थे। अभी एक क्षण ही हुआ था कि उसकी हथेली अग्नि देवता की ओर गिरी। बूम, एक विशाल गर्जना, एक हथेली सीधे स्वर्गीय अग्नि के देवता पर गिरी और स्वर्गीय अग्नि के देवता अचानक अंतहीन प्रकाश में फूट पड़े, जिसने ये जिवेन की हथेली को रोक दिया। हालांकि ये टकराव महज एक पल का था। एक पल में अग्नि के देवता की रोशनी ये जिवेन को नहीं रोक सकी और ये जिवेन ने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। टकराना, स्वर्गीय अग्नि के देवता बार बार पीछे हट गए। उसका शरीर कांप गया और उसका खून बढ़ता गया, जिससे उसे लगभग एक और कौर रक्त सार थूकने पर मजबूर होना पड़ा। ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर अंततः एक अविश्वसनीय रूप झलक गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये जिवेन की इस हथेली के कौशल में कुछ बिंदुओं से स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और उसे अचानक पकड़ लिया जाएगा और सीधे गोली मार दी जाएगी, यदि ये उसकी गहरी कुशलता के लिए नहीं होता। ये जिवेन के मूल प्रचार पर आधारित है। यही उनके आश्चर्य का कारण है।
क्या उस फल का प्रचार अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गया। हालांकि उसके और अधिक सोचने की प्रतीक्षा किए बिना येजीवेन के हमले की अगली लहर तुरंत आ गई और एक ही बार में उस पर हमला कर दिया। उसने तुरंत बैकहैंड हमला शुरू कर दिया, सभी प्रकार के ज्वाला दर्शन खोले, स्वर्ग और पृथ्वी को विघटित कर दिया, शून्य में कानूनों को मिटा दिया और येजीवेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जितना अधिक टकराव होता वो उतना ही अधिक भयभीत होता। तियानस उन स्तर के मास्टर को हर पल सैकड़ों बार लड़ना पड़ता है। इस वजह से वह स्पष्ट रूप से येजीवेन की वृद्धि को महसूस कर सकता है। ये वृद्धि बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि वह हर बार खेलते समय येजीवेन की वृद्धि महसूस कर सकता है और कई बार खेलने के बाद वह येजीवेन के महत्वपूर्ण सुधार को महसूस कर सकता है। ये सबसे भयानक बात है। स्वर्ग शक्तिशाली और शक्तिशाली है। शक्ति अनंत तारों वाले आकाश की तरह है। ये इस वजह से भी है। अतः सभी प्रकार की साधना अत्यंत कठिन है। आगे बढ़ने वाले प्रत्येक कदम में बहुत सारे संसाधन और समय खर्च होंगे। ये जीवन की तरह कम समय में बाहर निकलना असंभव है। यह एक नए क्षेत्र की ओर भी एक सफलता है। यदि यह एक नए क्षेत्र की सफलता है तो इसकी ताकत दोगुनी और दोगुनी हो जाती है। ये निश्चित रूप से आप जो है उससे भिन्न है। ये कैसे हो सकता है? वह फल कौन सा है और इसका इतना अद्भुत प्रभाव कैसे हो सकता है? इस समय स्वर्गीय अग्नि के देवता ने तुरंत कहा, क्या आपने अब इस पर ध्यान दिया? लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये जीवेन हंसे और भगवान और मनुष्य की तरह गुस्से से पहाड़ों और नदियों को निगल गए। ये जीवेन हंसे और इंद्रधनुष की तरह शक्तिशाली थे। इस समय उन्होंने लय बना ली थी और बढ़त ले ली थी। वहाँ एक रहस्यमयी जगह थी। वह लगभग एक ही समय में विश्व वृक्ष फल के कौशल और नियम प्राप्त कर सकता था। उन्हें समझने के लिए उन्हें कोई और समय खर्च नहीं करना पड़ा। इसलिए ये ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। हर लड़ाई में स्वर्गीय अग्नि के देवता येजीवेन की ताकत में सुधार महसूस कर सकते हैं और इसी तरह येजीवेन स्पष्ट रूप से अपनी ताकत में सुधार महसूस कर सकते हैं, जो संदेह से परे है। ऐसी लड़ाई लड़ना वाकई मजेदार है। क्यूई और रक्त का हर उछाल उसके शरीर को धो रहा है, जिससे उसका शरीर और अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसका कौशल और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसा परिवर्तन लगभग हर मिनट और सेकंड में होता रहेगा, क्योंकि हर मिनट और सेकंड दुनिया के पेड़ों और फलों की शक्ति को पचा रहा है और फिर अपनी शक्ति को परिवर्तित और बढ़ा रहा है। यदि शुरुआत में अग्नि के पूर्ण देवता को फायदा था, अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये जीवन धीरे धीरे मूल से नुकसान की ओर गिर गया है और समान रूप से मेल खाना शुरू कर दिया है। उनके लिए हर टक्कर रास्ते को सत्यापित करने का समय है। उन्होंने लंबे समय से ऐसा हार्दिक युद्ध महसूस नहीं किया है। वह मन से दुखी कैसे हो सकता है? इस वुजून ने धीरे धीरे शक्ति संतुलन हासिल करना शुरू कर दिया है। वे मूर्ख नहीं थे। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये शिवेन ने धीरे धीरे शक्ति संतुलन हासिल कर लिया है। ऐसा नहीं था कि शुरुआत में दबाव में लगभग हार मान ली गई हो। उन्होंने जल्द ही सोचा कि यह उस फल की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि उस फल की ऐसी भूमिका हो सकती है। हालांकि कई लोग लंबे समय से सोच रहे हैं, आखिरकार वे अब भी नहीं सोचते कि फल क्या है। यहाँ तक कि कई सुविज्ञ स्वर्गीय स्वामी भी नहीं जानते, उन सम्राटों की तो बात ही छोड़ दे। वे बस अनुमान लगाते हैं और उन स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से तुलना करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, लेकिन वे अभी भी यह नहीं सोचते हैं कि यह क्या है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये जीवन की ताकत में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों की कमजोरी दिखाना शुरू नहीं किया। उनका क्यूई और रक्त जारी रहा और लगातार सुधार हुआ। ये थोड़े समय में जबरन आरोहण की अनुभूति जैसा नहीं है। इसके विपरीत हर बिंदु पर ताकत में सुधार स्थिर है। हालांकि गति बहुत तेज है, स्थिरता की डिग्री गलत नहीं हो सकती। जब उन्हें सदमा लगा तो सारी स्थिति ही बदल चुकी थी। सबसे पहले स्वर्गीय अग्नि के देवता ने और अधिक हमला करने की पहल की, लेकिन धीरे धीरे ये येजीवेन की पहल बन गई और उसके शरीर में मधुर और राजसी ऊर्जा प्रदान करने के लिए विश्व वृक्ष फल थे, इसलिए वह लड़ने के लिए भी अधिक इच्छुक था। हर बार जब उन्होंने शॉट लगाया तो उन्हें लगा कि उनमें काफी सुधार हुआ है। आप जितना अधिक खेलेंगे उतना सहजता से खेलेंगे, उतना ही मजबूत होकर खेलेंगे। स्वाभाविक रूप से ये भावना गलत नहीं हो सकती। धिक्कार है क्यों? तियानहुओ शिनजुन ने जल्द ही इस अंतर और बदलाव को महसूस किया। शक्ति के वर्तमान संतुलन में ये जीवन ने लगातार बढ़त हासिल कर ली है। स्वर्गीय अग्नि देवता की शक्ति को पूरी तरह से नीचे तक दबा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्गीय अग्नि देवता ने कितना विरोध किया, ये बेकार था और ये जीवन के दमन से बच नहीं सका।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमला करने के लिए किस तरह की चाल का इस्तेमाल करता था। ये जिविन बहुत सीधा था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को ताड़ बनाने के लिए बस एक सरल कदम उठाया, जिसने सीधे उसके हमले को ध्वस्त कर दिया। यद्यपि शरीर में कोई ड्रैगन नस नहीं जल रही थी, जब कौशल खराब नहीं था तो ये जिविन को अग्नि के देवता को दबाने में मदद करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की महान शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित की गई थी। इससे स्वर्गीय अग्नि देवता जून ने सोचा कि वह ये जिविन को मार सकता है। उसने अचानक एक घेरा बना लिया। इस तरह ये जिविन द्वारा न मारा जाना अच्छा है। ये जिविन को मारना तो दूर की बात है, लेकिन अब से ये जिविन का प्रदर्शन बहुत मजबूत है। कौशल विकास लगभग बिना किसी रुकावट के पागलपन से बढ़ता है। मूल रूप से ये जिविन तीसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर से कमतर नहीं थे, लेकिन उनका अपना कौशल तीसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर से कई गुना अधिक था। क्षेत्र द्वारा लाए गए लाभों की तो बात ही छोड़ दे। इसलिए भले ही उसे बाद में पता चला कि ये जिविन तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, वह ज्यादा घबराया नहीं। लेकिन तू जिविन का कौशल पागलों की तरह बढ़ गया। थोड़े ही समय में मैं लगभग अपने जैसा ही हो गया और मैंने धीरे धीरे भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की मदद से खुद को दबा लिया। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मुझे सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जिविन के हमले से बचना इतना आसान नहीं है। ये जिविन टासल हड्डी के एक कीड़े की तरह है। जब यह फंस जाता है तो इससे छुटकारा पाना कठिन होता है, और ये जिविन उन्हें ऐसा मौका नहीं देंगे। उसकी चिंता में समय बीतता गया, और समय बीतने के साथ ये जिविन की ताकत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ऐसा नहीं लगा कि तियानहु भगवान का प्रभाव पहले जैसा अपेक्षित था। समय बीतने के बाद ये तेजी से कमजोर हुआ, लेकिन और अधिक मजबूत हो गया। उसकी क्यूई और खून ने उसके शरीर को खरोंच दिया और गड़गड़ाहट की तरह ध्वनि फूट पड़ी। उसके वेग ने आकाशगंगा को निगल लिया और अत्यंत भयानक था। इस समय यहाँ तक कि अंधे ने भी देखा कि ये जिविन निश्चित रूप से थोड़े समय में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कोई दवा नहीं निगल रहा था। इसके विपरीत वह वास्तव में अपनी ताकत और नींव बढ़ाने में सक्षम था। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये जिविन कहाँ से आए हैं, जाहिर है यह कोई समस्या नहीं है। दूसरे शब्दों में ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अंततः तू जिविन की शक्ति चरम पर पहुंच गई और उसका कौशल अकल्पनीय था। एक पल में वह स्वर्ग के देवता अग्नि के पास पहुंच गया और सीधे उसकी सारी सुरक्षा को नष्ट कर दिया। टकराना, ये जिविन ने ताली बजाए और सीधे अग्नि के देवता की छाती पर प्रहार किया। उफ, इस बार गोली लगने के बाद तियानहु शेनेजुन अब केवल क्यूई और रक्त की वृद्धि नहीं रह गया था। खून का एक पुराना कौर मौके पर बह निकला और खून का सार एक तेज तीर की तरह बाहर निकल गया, आकाशगंगा में घुस गया और सितारों को नष्ट कर दिया। और उसका पूरा व्यक्तित्व भी एक उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया, आकाशगंगा को काट दिया और आकाश में हजारों मील तक उड़ गया, जो मुश्किल से रुका। इस समय स्वर्गीय अग्नि देवता अंततः ये जिविन की आक्रमण सीमा से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। उसने केवल यह महसूस किया कि इस हथेली ने उसके आंतरिक अंगों को झटका दिया, लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक चौंका दिया वह ये थी कि तू जिविन की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई। उसके कौशल के लगभग उसके बराबर होने के बाद न केवल वह रुका नहीं, बल्कि इसके विपरीत वह सीधे आगे निकल गया। अतीत ये हथेली उसके पहले की किसी भी हथेली से अधिक भयानक थी। और तुम जिविन उस सीमा तक नहीं पहुंचे हो जो सबसे भयानक जगह है। ऐसे ही चलते रहना अच्छा है। ये जिविन ने पीछा करने के लिए जीत का फायदा नहीं उठाया। उसके लिए परिणाम लगभग वही थे। यदि तियानहु भगवान अपनी चोट को ठीक करने के लिए समय में देरी करना चाहते थे तो यह अर्थहीन होगा, क्योंकि जब वह अपनी चोट से उभरे थे तो तू जिविन के कौशल में भी आश्चर्यजनक गति से तेजी से सुधार हो रहा था। सामान्य तीसरे क्षेत्र का शिखर तो बस शुरुआत है, और स्वर्गीय अग्नि देवता सामान्य तीसरे क्षेत्र के शिखर से कई गुना अधिक मजबूत है। हालांकि तू जिविन के लिए यह अंत नहीं है। उनमें अब भी सुधार हो रहा है। उसे लगता है कि उसकी सीमा यहाँ नहीं है। इस समय उनकी पिछली नींव पूरी तरह से उनके मूल्य को दर्शाती है, और वह उस ठोस नींव के बिना इतनी आश्चर्यजनक प्रगति कैसे कर सकता था जो उसने पहले रखी थी। बढ़ती ताकत के साथ ये जिविन और अधिक दृढ़ हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि इस भयानक ताकत के साथ अग्नि के देवता का कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ होगा। यह कई पुराने जमाने के तियानजुन ने उनके बीच की लड़ाई देखी और उन सभी को थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग का एहसास हुआ। तियानहु शेनेजुन ने तीसरे क्षेत्र का रास्ता लगभग निकाल लिया था, अन्यथा यह ऐसी अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता नहीं दिखा पाता जो सामान्य तीसरे क्षेत्र से कई गुना अधिक थी। फिर भी इसे जमा होने में अनगिनत समय लगा।
और तू ज़िवेन ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए इस अंतर को कम कर दिया और तीसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर और स्वर्गीय अग्नि के देवता को पार करने में एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने में केवल कुछ ही समय लगा। ये चरम स्तर है जहां कई पुराने जमाने के तियानज़ुन कभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वे आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब तक वह चौथे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, मुझे डर है कि वह वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। एक बूढ़ा भगवान आहें भरने और कहने से खुद को नहीं रोक सका। तीसरे क्षेत्र में कुछ प्रतिद्वंद्वी है। वो जून की विकास गति बहुत तेज है। एक अन्य बूढ़े भगवान ने इसे समझा और तुरंत इसका न्याय किया। भले ही उनके पास वर्षों से जमा किए गए कौशल और दायरे की धारणा के फायदे थे, दुनिया में निर्माता भगवान की तरह चरम स्थिति के सामने ये ज़िवेन के जीतने की बहुत कम संभावना थी। भले ही यह पहले था, आज की सृष्टि की दुनिया में तीसरे क्षेत्र के भगवान को वास्तव में अजेय माना जा सकता है और वह तीसरे क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। ये कहा जा सकता है कि भगवान के बीच ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन्हें नियंत्रित कर सके। बहुत से लोग तू ज़िवेन के अद्भुत प्रदर्शन को देखते हैं और संकट की प्रबल भावना रखते हैं। उन्हें यथाशीघ्र पास तोड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके ये युवा पीढ़ियां उनसे आगे निकल जाएंगी। अब अधिक से अधिक युवा और भयानक युवा पीढ़ी है जो अनिवार्य रूप से उन्हें महसूस कराती है कि यांगेज़ी नदी की पिछली लहरें आगे की लहरों को धक्का देती हैं और सामने की लहरें समुद्र तट पर मर जाती हैं। स्वर्गीय अग्नि देव, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने मुझे शुरुआत में नहीं मारा, लेकिन अब आपके पास ऐसा मौका नहीं है। ये ज़िवेन और अधिक उदासीन दिख रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत अभी भी लगातार बढ़ रही है और चरम पर नहीं पहुंची है। विश्व वृक्ष का फल न केवल उसके कौशल और क्षेत्र की उसकी समझ को बेहतर बनाने के लिए है, बल्कि उसके शरीर को धोने, उसके शरीर को और अधिक स्वस्थ बनाने और उसकी ताकत की ऊपरी सीमा में और सुधार करने के लिए भी है। अन्यथा ये ज़िवेन केवल अग्नि के देवता के साथ बात कर रहे हैं जो अनगिनत वर्षों से जमा हुए हैं और एंटी ट्रांसेंडेंस हासिल करना असंभव है। भले ही यह भयानक था, उनकी राय में ये पर्याप्त नहीं था। यदि आपके पास केवल ये साधन है तो आज आपकी मृत्यु है। ये ज़िवेन महसूस कर सकते हैं कि वह तीसरे क्षेत्र में अभूतपूर्व हो सकते हैं। उनकी ताकत अभी भी बढ़ रही है और बेहतर हो रही है। दुनिया के पेड़ों और फलों की ऊर्जा बहुत मजबूत है। उसकी ताकत बढ़ाओ, उसके दायरे में सुधार करो, उसके शरीर को धो ताकि वह और अधिक विशाल कौशल को समायोजित कर सके और अभूतपूर्व और भविष्य के दायरे तक पहुंच सके। इसलिए उसे अग्नि देवता के पलटवार की चिंता नहीं थी। उनकी राय में कोई भी पलटवार कुछ भी नहीं था। जब तक स्वर्गीय अग्नि भगवान ने चौथे क्षेत्र में कदम नहीं रखा, तब तक उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह स्वर्गीय अग्नि देवता के पलटाव से या यहाँ तक कि समय की देरी से भी नहीं डरता, जो छोटा है, क्योंकि समय बीतने के साथ वह मजबूत हो जाएगा और यहाँ तक कि उसकी प्रगति की गति स्वर्गीय अग्नि देवता की पुनर्प्राप्ति गति से कहीं अधिक होगी। जितना अधिक समय बीतता है, स्वर्गीय अग्नि के देवता के जीतने की संभावना प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में जीतने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है जब तक कि वह गायब न हो जाए। अग्निदेव हांफते रहे, उसकी आंखें लाल थी। ये ज़िवेन को देखकर वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था। शुरुआत में उसने सोचा कि वह सिर्फ एक छछूंदर चींटी थी। अब वह स्थिति तक कैसे बढ़ गया और उसे चोट पहुंचाई। वह तीसरे क्षेत्र के चरम पर सामान्य तियानज़ुन से कई गुना अधिक मजबूत है और उन्हें हराना मुश्किल नहीं है। हालांकि अब उसे पता चलता है कि ये ज़िवेन इतना मजबूत हो गया है, जो इस तथ्य से अलग है कि वह अपने संचित कौशल और उच्च तियानज़ुन क्षेत्र की समझ को पार करके और टकराकर इस क्षेत्र तक पहुंच गया है। इस समय भले ही वह मूर्ख था, वह समझ गया कि इसका उस फल से कुछ लेना देना है जिसे ये ज़िवेन ने पहले निगल लिया था, लेकिन उसने कभी देखा या सुना भी नहीं था कि यह क्या था। वह महसूस कर सकता था कि ये ज़िवेन की सांसें धीरे धीरे भयानक और मजबूत होती जा रही थी। इसने एक पल के लिए भी मजबूत होना बंद नहीं किया था। मानो कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, ये सबसे भयानक जगह थी और यही वह चीज थी जिसका उसे सबसे अधिक डर था। बढ़ती ताकत के साथ ये ज़िवेन की गति और मजबूत होती जा रही है, यहाँ तक कि उसे पूरी तरह दबा भी दिया। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि उस समय उसके पास मौका भी नहीं होगा। वह इतने वर्षों से स्वर्ग और पृथ्वी पर है, उन्होंने कभी भी ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना नहीं किया था जिससे उन्हें थोड़ा हताश महसूस हुआ हो। ये ज़िवेन की मुस्कान थोड़ी उदासीनता और थोड़े उपहास के साथ विशेष रूप से उसकी आंखों में चमक ला रही थी।
उन्होंने केवल यह महसूस किया कि ताओ हृदय, जो अनगिनत हजारों वर्षों से शांत था, को ऊपर और नीचे का अनुसरण करना पड़ा, जिससे बड़ी लहरें पैदा हुई। तियानहुओ शेनेजुन के शरीर पर सभी क्यूई और खून एक बिंदु तक संघनित हो गए। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उन बेड़ियों से मुक्त होने जा रहा है जिन्होंने उसे अनगिनत वर्षों से जकड़ रखा था। एक पल के लिए भी वह खुद को अतीत की शक्ति खोजने देगा और अपने सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एक पल में क्यूई और रक्त सीमा तक संघनित हो गए और वाष्पित हो गए। भयानक क्यूई और रक्त द्वारा लाई गई ऊर्जा। अंत में वह स्वर्ग के रास्ते के दमन से मुक्त हो गया और उस क्षेत्र में पहुंच गया जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। भले ही यह सिर्फ एक रिसाव था, यह पर्याप्त था। उसमें से निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने उसे एक पल में ही उसमें डुबो दिया। हालांकि जब यह एहसास पूरे शरीर में होने ही वाला था, तभी दूर तारा नदी के दूसरी ओर से एक रोशनी आई जो आकाश में तमाचे में बदल गई, तुरंत नीचे गिरी और सीधे उस पर गिरी। टकराना। एक भयानक ताड़ की शक्ति एक पल में तरंगित हो गई। इससे लाखों करोड़ों तेज निकलते हैं और पूरा ब्रह्मांड तेज से भर जाता है। यह अनगिनत ताओ अभ्यासों में बदल जाता है और सीधे फैल जाता है। इस हथेली के केंद्र में स्वर्गीय अग्नि के देवता ने बस अपना पुराना खून छिड़का। बढ़ती गति अचानक बाधित हो गई और एक दरार जो अंतहीन क्यूई और रक्त से धुल गई थी तुरंत अवरुद्ध हो गई। बूम, उसके शरीर पर खून के साथ अनगिनत चमक बिखर गई और पूरा शरीर उल्टा उड़ गया, सीधे एक विशाल तारे में डाला और उसे चूर्णित कर दिया। जब उन्होंने सब्लिमेशन किया तो उन्होंने अंततः सबसे बड़ी खामी का खुलासा किया और तूजिविन ने ऐसा अवसर जबत कर लिया और तुरंत फूट पड़े, जिसने सीधे तौर पर अग्नि के देवता के सम्मान को नुकसान पहुंचाया। इस हथेली के नीचे सभी प्रकार के दृश्य प्रकट होते हैं और अनगिनत चमकती रोशनी एक साथ टकराती है, जिससे एक भयानक ऊर्जा तूफान बनता है। पूरी तारा नदी कांप रही है और कांप रही है। अनगिनत जीव दो लोगों के दबाव से कांपते हैं और बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। जबरन ऊर्ध्वपातन के क्षण में ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया। कई पुराने तियानजुन ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली। वे चौथे क्षेत्र के ऊपर स्वामी हुआ करते थे, लेकिन तियानगुआन की डकैती के कारण वे तीसरे क्षेत्र में चले गए। कम समय में तियानगुआन ताला तोड़ना उनका सबसे बड़ा कार्ड है। यद्यपि प्रत्येक प्रभाव अंतहीन जीवन का उपभोग करता है और एक दर्दनाक कीमत चुकाता है, वे थोड़े समय के लिए अपनी ताकत हासिल कर सकते हैं जो हमारे सामने दुश्मन का सफाया करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि ऊर्ध्वपातन के क्षण में ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि वे भविष्य में ये जिवेन के सामने समर्पण नहीं कर सकते, अन्यथा वे मौत की तलाश में हैं। उनका सबसे बड़ा कार्ड चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अगर वह टूटता नहीं है तो ये झूठा है। ये सोचते ही उन्हें अपने पीछे केवल ठंडक महसूस हुई। अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वे ये जिवेन से बचने से डरते थे। जब तक वे सफलतापूर्वक दर्रा पार नहीं कर लेते, वह चौथे दायरे के अंतर्गत आने वाला पहला व्यक्ति होगा। ये नामुमकिन है। स्वर्गीय अग्नि के देवता गर्जे। उसकी दहाड़ ने उसके चारों ओर अनगिनत उल्काएं बिखेर दी। जब वह अपने जीवन के शिखर पर चढ़ने वाले थे तो उन्हें रोका गया। जिस व्यक्ति ने व्यवधान डाला वह ये जिवेन था। ब्रश, ये जिवेन अचानक उसके सामने आ गई, बस उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आत्मसंतुष्ट होने का मौका दूंगी? ये जिवेन का शरीर दबाव और असीमित आतंक को मुक्त करता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र के समान है। सभी तारे उसके चारों ओर घूम रहे हैं। वह संसार का रचयिता है। उन्होंने कहा, बस एक हथेली ने धीरे से ताली बजाई। पतली हथेली नीचे ताली बजाती हुई चुपचाप एक बेहद भयानक दृश्य दिखा रही थी। वह जहां से गुजरा, स्थान, समय और नियम सभी ध्वस्त हो गए, लेकिन कोई ध्वनि नहीं थी, क्योंकि ध्वनि नियम भी एक क्षण में ध्वस्त हो गया और प्रसारित नहीं हो सका। स्वर्गीय अग्नि के देवता गरजते रहे, संघर्ष करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बेकार था। ये हथेली इतनी भयानक थी कि अकल्पनीय शक्ति के साथ नीचे गिरी। टकराना। उसकी हड्डियां मौके पर ही टूट गईं और खून स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में फूट गया। उसका पूरा शरीर लगभग पिटकर बिखर गया था। उसका खून वाष्पित हो गया और युवान भगवान टूट गया और जल गया। पूरी आकाशगंगा हिंसक रूप से हिल रही थी और ये जिवेन की हत्या पद्धति का उपयोग भयानक शक्ति के साथ किया गया था। मूल रूप से तू जिवेन की ताकत स्वर्गीय अग्नि देवता जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति से मुश्किल से इसका समर्थन कर सकता था, भले ही वह स्वर्गीय अग्नि देवता से टकराए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। अधिक से अधिक इससे उसे क्यूई और खून का झटका लगेगा, लेकिन अब यह अलग है।
ये ज़िवेन ने अग्नि के देवता को पार कर लिया है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है और किसी के पहले और किसी के बाद के क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। तीसरे क्षेत्र में वह मजबूत और असीमित है। जब वह अपना हाथ उठाता है और अपना पैर फेंकता है तो उसके पास बहुत ताकत होती है। वह अग्नि के देवता को एक हथेली से मार सकता है। उसकी ताकत में सुधार हो रहा है और बहुत तेजी से सुधार भी हो रहा है। भाग्य के स्वर्गीय महल में एक स्थान पर पूर्वी स्वर्गीय ज़ून ने स्थिति के विकास को देखा और कहा कि ये ज़िवेन ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए हैं और अधिक से अधिक। ऐसा सोचा गया था कि वह अग्नि के देवता के विरुद्ध लड़ सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि वह लगभग अजेय है। इस युग में जब अधिकांश देवता तीसरे लोक में फंसे हुए हैं, ये कल्पना की जा सकती है कि तीसरे लोक में मदद करने के लिए कोई ऐसा अजेय विशेषज्ञ है जो लाभ पहुंचाता है। ये ज़िवेन में ऐसी युद्ध प्रभावशीलता हो सकती है। जब वह भविष्य में मध्य स्वर्ग में कदम रखेगा तो निस्संदेह पूर्व स्वर्ग बनना बहुत आसान हो जाएगा। उस समय वह पूर्वी स्वर्ग का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होगा, वास्तव में सृष्टि के भगवान की महान शक्ति का प्रभार लेगा और ऐसे काम करेगा जो अतीत और वर्तमान में कोई नहीं कर सकता है। ये सिर्फ दून त्यानजुन नहीं है, इस लड़ाई को कई लोग देख रहे हैं। ये ज़िवेन को एक भगवान और मनुष्य की तरह देखते हुए उन्होंने आसानी से अग्नि के देवता पर प्रहार किया और ये ज़िवेन के अपने मूल्यांकन को समायोजित किया। कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ये ज़िवेन को नाराज कर दिया है। तो ज़िवेन के लिए कुछ मूल योजनाओं को पहले ही रोका जा सकता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये तीसरे क्षेत्र में वास्तव में भयानक है। आकाश अग्नि देवता, जिसे सीधे विस्फोट से उड़ा दिया गया था, निस्तार नदी में एक बड़ी दरार डाल दी, लेकिन जब ये ज़िवेन का आक्रमण नहीं रुका तो उसने अपने पैरों के नीचे एक इंद्रधनुषी पुल पर कदम रखा जो पूरी स्टार नदी को पार कर गया और सामने की ओर बढ़ गया आकाश अग्नि देवता, और फिर स्वर्ग और पृथ्वी की एक और हथेली ली। बूम, त्यानहुओ भगवान का पूरा शरीर पीटा गया था, खून बह रहा था और सभी प्रकार की दरारों से भरा हुआ था। उसका पूरा हाथ हवा में फट गया। अभी अभी उसने इस हाथ का इस्तेमाल ये ज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का विरोध करने के लिए किया था, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस समय तू ज़िवेन का कौशल स्वर्गीय अग्नि देवता पर पूरी तरह से कुचल दिया गया है। वह अपने चरम पर तू ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, अब तो छोड़ ही दे। एक पल में वह अपना हाथ फटने की कीमत पर भाग गया। वह सृष्टि के देवता के पास भागने के लिए चिल्लाया और दहाड़ने लगा। इस समय उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था, केवल एक जीवित अत्यधिक जल रहा था, इसलिए वह सृष्टि के देवता की ओर भाग गया। क्योंकि केवल सृष्टि के ईश्वर में ही तुम ज़िवेन का विश्वास रख सकते थे और वह बच सकता था, दक्षिणी क्षेत्र में वापस भाग सकता था और दक्षिणी ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त कर सकता था, जो उसके जीने का एकमात्र तरीका भी था। लेकिन तुम ज़िवेन उसे भागने कैसे दे सकते थे? उसने होनकियाओ को अपने पैरों के नीचे से पार किया। दूसरी ओर उसकी हथेली पलट गई और सम्राट वू की एक विशाल मुहर में बदल गई। 3000 मार्शल आर्ट आशीर्वाद इसमें गिरे और सीधे स्वर्ग के देवता अग्नि की तस्वीर खींची। उफ, अग्निदेव का शरीर वही टुकड़े टुकड़े हो गया। टकराना, स्वर्गीय अग्नि देवता का मांस मौके पर ही उड़ गया और लगभग चकनाचूर हो गया। हजारों आपदाओं और आपदाओं के बाद भी स्वर्गीय अग्नि में से कौन सा भगवान का शरीर नहीं डाला जा सका। ये कहा जा सकता है कि कोई आपदा नहीं है और कोई कारण और प्रभाव नहीं है, लेकिन अब इसे ये ज़िवेन ने तोड़ दिया है। यह अभी भी शरीर की चरम अवधि में है, क्योंकि ये दायरे का पतन है, इसलिए स्वर्ग के शरीर का देवता वास्तव में बहुत मजबूत है, सामान्य तीसरी परिस्थितियों से कहीं बेहतर है, इसलिए वह सामान्य तीसरी परिस्थितियों से कई गुना अधिक मजबूत हो सकता है समय। लेकिन अब ये ज़िवेन के सामने ये सभी प्लास्टिक फोम की तरह है, तुरंत शून्य में। उसका युवानशेन प्रकाश में बदल गया और भाग गया। वह भागना चाहता था, यहाँ तक कि हर कोई युवानशेन से घबराहट का नजारा देख सकता था। कई सर्वोच्च प्राणियों ने उसकी ओर देखा और ठंडी हवा की सांस ली। स्वर्गीय ईश्वर द्वारा उसके शरीर को फेंक देने की योजना बनाना कितना हताश करने वाला था। यदि वह बाहर नहीं आता है और बच नहीं पाता है तो वह अपनी शारीरिक गति से ये ज़िवेन का पीछा करने से बच नहीं सकता है। हालांकि फिर भी वह बेकार था। ये ज़िवेन की गति दुनिया की चरम गति तक पहुंचने के लिए काफी तेज थी। उन्होंने सीधे तौर पर समय के नियम का प्रसार किया और समय के नियम का क्षेत्र बनाया। अचानक उसने त्यानहुओ भगवान के युवान भगवान की गति धीमी कर दी। फिर उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और सीधे कुचलने ही वाला था। इस शत्रु को पूरी तरह से समाप्त करें जिसने ये ज़िवेन को सम्राट के साम्राज्य के समय से भयभीत कर दिया था। जरा ठहरिए, अचानक एक जोर की चीख आई। फिर एक आकृति आकाश को चीरती हुई ये ज़िवेन के पास आई
लेकिन यह वह नहीं थी जो नान तियानजुन थी। क्यों नान तियानजुन, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, नान तियानजुन की ओर देखा और कहा कि यद्यपि नान तियानजुन सृजन राजवंश के सर्वोच्च स्वामी थे और दक्षिणी क्षेत्र की विशाल भूमि पर प्रभुत्व रखते थे, ये ज़िवेन उनसे डरते नहीं थे। पूर्वी क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दे, यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र में भी चिंता की कोई बात नहीं है। वह तीसरी सीमा के चरम पर पहुंच गया है, हालांकि उसने रीति रिवाजों को नहीं तोड़ा है और चौथी सीमा के बिंदु पर पहुंच गया है, लेकिन लोगों के लिए चुटकी बजाना और गोल गोल रगड़ना कोई भूमिका नहीं है। वह हमारे दक्षिणी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आप उसे जाने दे सकते हैं? इस समय नान तियानजुन ने कहा। उसके चेहरे पर कुछ हद तक शर्मिंदगी के भाव थे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय अग्नि देवता उनकी महत्वपूर्ण सहायता है जो उन्हें मध्य स्वर्ग देवता बनने में मदद करने के लिए आवश्यक है। यदि उसके पक्ष में एक कम है लेकिन दोनतियानजुन के पक्ष में एक और गेस्टाल्ट मास्टर है, तो यह निस्संदेह दोनों पक्षों के बीच संतुलन को बिगाड़ देगा। उस समय पूर्वी तियानजुन का लाभ और भी अधिक होगा। नहीं नान तियानजुन, मुझे परवाह नहीं है कि वह आपके दक्षिणी क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत शिकायत है। मैं नहीं चाहता कि सृष्टि के देवता इस मामले में भाग ले। ये ज़िवेन ने स्वर्गीय अग्नि देवता के मूल देवता को अपने हाथ में पकड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। उससे ज्यादा दूर नहीं, स्वर्गीय अग्नि भगवान के मास को पुनः संयोजित किया गया था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि मूल भगवान के बिना मास सिर्फ एक शब्द था। अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ तू ज़िवेन ने स्वर्गीय अग्नि देवता के मास को आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में पकड़ लिया। जैसे ही स्वर्गीय अग्नि भगवान का शरीर ये ज़िवेन के आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश किया, अनगिनत तावीज उड़ गए। फिर वह स्वर्गीय अग्नि देवता के शरीर में उड़ गया, उसका अभ्यास किया, उसे अनंत महिमा में बदल दिया और उसे सीधे विश्व वृक्ष पर छिड़क दिया। इन तेजस्विता के रक्त रस से विश्व वृक्ष का सिंचन हुआ है और दूसरे विश्व वृक्ष का फल धीरे धीरे विकसित होकर आकार ले रहा है। यद्यपि स्वर्गीय अग्नि के देवता में केवल एक ही व्यक्ति है, वह अपने चरम पर है। उसकी क्यूई और रक्त पिछले हुन्युवान सम्राटों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। इससे पहले तुम्हारे बाद ज़िवेन ने सम्राट को मार डाला, इसे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। वह वही रहकर संसार के वृक्षों को सींचना चाहता है। यह एक योग्य मृत्यु है। वे बूढ़े नहीं होते और मर जाते हैं। वे नहीं जानते कि उन्होंने दुनिया से कितना कुछ ग्रहण किया है। अब वे उस विश्व वृक्ष पर वापस आ गए हैं जिसने अनगिनत संसारों को खड़ा किया है। ये ज़िवेन की हरकत देखकर नान तियानजुन का चेहरा अचानक बदसूरत दिखने लगा। ये ज़िवेन का उसे चेहरा दिखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वुज़ुन, आपके बीच किस तरह की शिकायतें हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस बार आप पर हमला किया और मार डाला? यदि हाँ तो मुझे लगता है कि वह माफी मांगने को तैयार है, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना हो, हमारा दक्षिणी क्षेत्र आपको संतुष्ट करेगा। नान तियानजुन ने अपना मुंह खोला और कहा, वैसे भी उसने अभी अपना मुंह खोला है। अंत में उसे जो भुगतान करना पड़ा वह शेनहुओ पंत को विचार करना था, लेकिन यह वह नहीं था। वैसे भी वह दूसरों के प्रति उदार था। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्रों में शेनहुओ धर्म बहुत मजबूत रहा है, यहाँ तक कि राज्य के सभी क्षेत्रों में ये दक्षिणी तियानजुन सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस करता है। अब ये ज़िवेन से कड़ी टक्कर मिलने के बाद उसे दक्षिणी तियानजुन पर निर्भर रहना होगा, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद भी है। इसके अलावा इस घटना के बाद दक्षिणी क्षेत्रों के स्वर्गीय स्वामी उस पर एक ऐसे नेता के रूप में अधिक भरोसा करेंगे जो अपने अधीनस्थों के लिए खड़े होने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से इससे उसे बहुत लाभ होता है। उसे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की मदद करनी होगी। वुज़ुन, अब हमारे लिए युग युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने का समय आ गया है। अब एक और तियानजुन, एक और शक्ति है ना? नान तियानजुन ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा कि वह पहले मुआवजा देगा और फिर इसे युग युद्ध क्षेत्र की बड़ी टोपी के साथ कवर किया ताकि ये ज़िवेन को कुछ संदेह हो। लेकिन उसने जो सोचा वह बहुत सरल था। उन्हें नहीं पता था कि दोनों के बीच नाराजगी किस हद तक पहुंच गई है। ये ज़िवेन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसने बस अपना मुंह खोला और कहा, मूल रूप से मैं तुम्हें एक चेहरा बेचूंगा, लेकिन आप नहीं जानते कि हम क्यों हैं। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ नान तियानजुन के हमले के कारण है? मुझे गुस्सा नहीं है कि उसने इस बार मेरे टेरान पर हमला किया और उसे मार डाला, क्योंकि वह अपनी मौत की तलाश में था, लेकिन यह आदमी वास्तव में चाहता था कि मैं ताओवादी बनने से पहले उसका गुलाम बन जाऊं। जब मैं ताओवादी बन गया तो उसने अवसर का लाभ उठाया मुसीबत खड़ी करने के लिए, जिससे मैं लगभग असफल हो गया।
आप कहते हैं, अगर वह आप होते तो क्या आप उसे जाने देते। उद्धरण चिन्ह। ये जिवेन की वाक्पटुता से सभी लोगों को अंततः समझ में आ गया कि ये जिवेन और स्वर्ग के भगवान के बीच इतनी नाराजगी थी। आग ये निश्चित रूप से थोड़े समय में कोई नाराजगी नहीं थी, या इस बार भी स्वर्गीय अग्नि के देवता एक आश्चर्यजनक हमले के लिए दरवाजे पर आए थे। ये कुछ पुराना है। जैसा कि ये शिवेन ने कहा, एक स्वर्गीय प्राणी को दास और दासी बनने देना निश्चित रूप से अमरता का अंत है। स्वर्गीय प्राणी को कितना अभिमान है। भले ही क्षेत्र बहुत अलग हो, इसे ताओवादी मित्र कहा जा सकता है। हालांकि कुछ स्वर्गीय प्राणियों में एकता और सहयोग है, फिर भी यदि वे एक दूसरे को दास और दासी बनाना चाहते हैं, तो यह निस्संदेह वर्जित है और बाद वाली बात अधिक समझौता योग्य नहीं है। चेंगदाओ कुछ ऐसा है जिसे तियानेजुन एक साथ अनुभव करना चाहता है। सभी तियानेजुन ने निकट मृत्यु का अनुभव किया है। इस समय जो कोई भी बाहर कूदने का साहस करता है, वो एक ऐसा दुश्मन है जो कभी नहीं मरेगा। इसलिए जब स्वर्ग ताओ बन जाता है, जब तक कि नफरत वास्तव में एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती है, कभी नहीं मरती है या एक कोने में मजबूर नहीं होती है और अवसर का प्रयास करना पड़ता है, सामान्य लोग 100% आत्मविश्वास के बिना ऐसा नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे भगवान जीवन भर याद रखेंगे। बस अंतहीन प्रतिशोध की प्रतीक्षा करें। कई लोगों को अचानक एहसास हुआ कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिवेन स्वर्गीय अग्नि के देवता को कभी नहीं जाने देंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय अग्नि का देवता एकांत त्याग देगा और ये जिवेन को मारने आएगा। दोनों पक्ष जानते थे कि जीत या हार की परवाह किए बिना एक पक्ष हार जाएगा। इस समय जो कोई भी उन्हें रोकने के लिए मनाने आता, उससे घृणा की जाती। बिना किसी अपवाद के ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरी शॉट किसने लिया। नान तियानेजुन ने स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझा। उन्होंने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि ये शिवेन और स्वर्गीय अग्नि के देवता के बीच कृतज्ञता और नाराजगी इस बिंदु तक पहुंच गई थी। ये पिछले समय और स्थान तियानेजुन के संदेह से अलग है कि ये जिवेन ने रूई गॉड सम्राट को मार डाला। साफ शब्दों में कहें तो यह एक सम्राट की बात है। वह दो देवताओं के बीच अपना मुंह नहीं फाड़ सकता। हालांकि अब उन्होंने दो बातें कही, प्रत्येक दो स्वर्गीय प्रभुओं को अमर शत्रु बनाने के लिए पर्याप्त है। ये देखकर कि नान तियानेजुन चुप था और कुछ नहीं बोल रहा था, ये जिवेन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। नान तियानेजुन, मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह चेहरा नहीं देना चाहता, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे और उसके बीच। या तो वह मर जाए या मैं मर जाऊं। मैं बाघ को वापस पहाड़ पर नहीं जाने दे सकता। यदि स्वर्गीय अग्नि देवता केवल एक सामान्य तीसरा क्षेत्र है, तो तू जिवेन के पास इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गीय अग्नि देवता प्रगति कर रहे हैं। क्या वह प्रगति नहीं कर रहा है? हालांकि स्वर्गीय अग्नि का देवता केवल स्वर्गीय दर्रे की लूट के कारण तीसरे क्षेत्र में बह गया था और दर्रे को तोड़ने वाला था। यदि आप उसे इस बार जाने देते हैं, तो स्वर्गीय अग्नि के देवता जो अगली बार वापसी करेंगे, अनिवार्य रूप से एक बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। नान तियानेजुन का चेहरा बाघ को छोड़ने और पहाड़ पर लौटने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं है। वो जून, जब तक आप उसे मारना छोड़ने को तैयार हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का मुआवजा चाहें, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, जब तक मेरे पास क्षमता है। नान तियानेजुन ने सोचा और कहा। वो ये भी समझ गया कि ये जिवेन के लिए बिना कुछ कहे वादा करना असंभव था। हालांकि ये जिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। नान तियानेजुन ने जो वादा किया था, उसका प्रलोभन बहुत अच्छा था, लेकिन वह उस तरह का काम कभी नहीं करेगा। नान तियानेजुन, कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि सृष्टि का भगवान अंत में इस मामले से कैसे निपटेगा, लेकिन वह मर चुका है। ये जिवेन ने तुरंत अपने हाथ की हथेली दी, जिससे तुरंत एक प्रचंड लौ जल उठी। वह नानमिंग लिहुओ था। आग के बेचारे देवता ने जीवन भर आग से खेला, लेकिन ये जिवेन ने अंततः अपने युवान भगवान को आग से जलाकर मार डाला। आप नान तियानेजुन की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी, मानो उससे पानी टपक रहा हो। ये जिवेन ने चेहरा नहीं दिया और उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया। ये जिवेन ने बस नैंटियन जून को बेहोशी से देखा। वह डरता नहीं था। हालांकि नैंटियन जून वास्तव में भयानक था, वह अतीत में वो जियामुन नहीं था। शुरुआत में जिन लोगों की ओर देखने की जरूरत थी, वे अब बराबरी पर हैं। जब युग का युद्ध क्षेत्र शुरू होता है, तो न केवल पूर्वी स्वर्गीय जून महान उपलब्धियां हासिल करने और मध्य स्वर्गीय जून बनने की योजना बनाता है, बल्कि वह युग के युद्ध के मैदान में खुद को संयमित करने, अपनी ताकत में सुधार करने और पूर्वी स्वर्गीय जून की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भी योजना बनाता है। भविष्य में उस समय वे बराबरी पर होंगे। उसे किस बात का डर होना चाहिए?
इसके अलावा सामान्य छोटी चीजों के लिए उसे एक चेहरा देना ठीक है, लेकिन स्वर्ग की अग्नि का देवता निश्चित रूप से अलग है। ये पुराने राक्षस एक एक करके और अधिक दृढ़ होते जा रहे हैं। यह हार उनके मन को हिला नहीं सकती। एक बार जब बाघ को वापस पहाड़ पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा कि इस बड़े झटके को सह लिया जाए और शाबाश हा 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 की ओर कदम बढ़ाया जाए। जैसे ही ये जिवेन जाने वाला था, उसके कान में डोंगतिया नजुन की खुशी भरी हंसी सुनाई दी। स्वाभाविक रूप से ये रहस्य में संचारित हुआ। हालांकि उन्होंने नांटिया नजुन को महत्वपूर्ण समय पर एक सीढ़ी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका रिश्ता कितना अच्छा है। उनके बीच सहयोग और विरोध आम बात है। ये जिवेन पूर्वी तियानेजुन शिविर का सदस्य है, इससे इसकी प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ गई है। पूर्वी तियानेजुन के लिए सिंहासन पर चढ़ना और एक चाल में मध्य तियानेजुन बनना असंभव है। यह एक के बाद एक जमा होता जाता है। जब ये जिवेन ने प्रथम विश्व युद्ध में अग्नि के देवता को मार डाला तो वह अच्छे मूड में था। उसे बस ऐसा लगा कि एवेन्यू का द्वार फिर से खुल गया है। इस भारी दबाव के बिना उनका मूड ऊंचा था। उसने केवल यह महसूस किया कि भले ही वह चौथे दायरे से दूर न हो, आम लोगों के लिए इसे तोड़ना मुश्किल था क्योंकि उनका संचय पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन वह काफी मजबूत था। यहां तक कि तियानहुओ शेनेजुन जैसा बूढ़ा तियानेजुन भी उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा उसके पास अभी भी आधी टूटी हुई डकैती की धूप है। चौथे दायरे में प्रवेश करना केवल समय की बात है। निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टि के देवता द्वारा सृजन कुंजी को फिर से काम करने के साथ मूल तियागुआन डकैती इतनी गंभीर नहीं है। हालांकि वर्षों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसे तोड़ना पहले की तरह असंभव नहीं है। हालांकि ये जिवेन ने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। स्वर्ग के असंख्य वृतों द्वारा सम्राट का दमन हजारों वर्षों से एक दिन के समान रहा है। इस तथ्य के अलावा कि सम्राट किन ने एक बार ताओ को तोड़ दिया और कैद कर लिया, वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपनी क्षमता से ऐसा किया है। उसने अपने जीवन में कितने खतरों का सामना नहीं किया है, ये कितनी छोटी सी समस्या है। ये जिवेन बुजो पर्वत पर लौट आया, लेकिन उसने जो उन्माद शुरू किया था वह अभी किण्वित और किण्वित होने लगा था। मूल रूप से हालांकि ये जिवेन पहले से ही काफी प्रसिद्ध थे, उन्होंने अभी अभी तियानेजुन के दायरे में कदम रखा था। केवल दसियों हजार साल पहले ही उसने दाशी तियानेजुन को हराया था। लेकिन कई इच्छुक लोगों की नजर में ये कुछ भी नहीं है, बल्कि थोड़ा मजबूत नया स्वर्गीय मास्टर है। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच वरिष्ठता और वरिष्ठता की घटना बहुत गंभीर है, और मूल कारण यह है कि साधना का समय जितना लंबा होगा, कौशल उतना ही गहरा होगा और ताकत उतनी ही मजबूत होगी, जो अपरिहार्य है। ये जिवेन के उद्भव ने वरिष्ठता के मिथक को तोड़ दिया। केवल 10,000 से अधिक वर्षों के लिए ही वह स्वर्ग का देवता बना। उसने वास्तव में अग्नि के देवता को हरा दिया। इस तरह वह अनगिनत वर्षों तक ताओवाद का एक अनुभवी देवता बन गया, और यहाँ तक कि उसे मार भी डाला। किसी के लिए भी बोलना मुश्किल है। यहाँ तक कि शक्तिशाली नान तियानेजुन का चेहरा भी नहीं दिया जा सकता। न केवल चरित्र है बल्कि ताकत भी है। कई लोगों की नजर में इस प्रकार का व्यक्ति सबसे भयानक होता है, क्योंकि इस काल का सम्राट निसंदेह सबसे तेज समय का होता है और विस्तार के काल में होता है। इसलिए जो कोई भी बंदूक के मुख पर प्रहार करता है उससे अमित संघर्ष छिड़ सकता है। वह उन पुराने जमाने के स्वर्गीय गुरुओं से भिन्न है। अनगिनत वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने बुनियादी सेट को स्थिर कर दिया है। हाथ उठाते और आवाज लगाते समय उनमें धुआं और गुस्सा नहीं होता। वह इतना तेज नहीं है। कई लोगों के मन में दूसरों के साथ मिलकर रहने का भी विचार आता है। सामान्य लोग ऐसे विचार रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यदि यह अन्य स्वर्गीय प्राणी है तो ये बिल्कुल भी वही बात नहीं है। हालांकि ये जिवेन के उद्भव ने उन्हें दबाव का एहसास कराया। इस स्तर पर वह नहीं जानता था कि समझौता क्या होता है या रियायत क्या होती है। जब उसे कुछ मिला तो उसने लड़ने और मारने के लिए चिल्लाया। ऐसे व्यक्ति ने उन्हें असली ठंडक का एहसास कराया, क्योंकि ये जिवेन एक नवागंतुक है, वह नियमों का पालन नहीं करता है। हालांकि उसके पास नियमों की अवज्ञा करने और दंडित न होने की ताकत है। जब तक वह दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में चार स्वर्गीय स्वामियों जितना शक्तिशाली नहीं होता, यह अनुमान लगाया जाता है कि अन्य लोग अब उसके विरोधी नहीं है। यदि आप एक दिन पास नहीं तोड़ते तो एक दिन आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इस वजह से उनके विचार में ये जिवेन कष्टप्रद हो गया था और उस पर प्रकाश चकाचौंध था। ये जिवेन को नहीं पता कि वह कई लोगों की आंखों में चकाचौंध बनने लगा है। बहुत मजबूत चरित्र कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वह जानता भी है तो भी उसे परवाह नहीं होगी, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है।
हालांकि उनकी उदासीनता का मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग इच्छुक नहीं हैं। इस युद्ध के माध्यम से अधिक लोगों को उसके अस्तित्व का एहसास हुआ, जैसा कि वह मूल रूप से नहीं था। उनकी प्रसिद्धि और कई किंवदंतियां तियानज उनके स्तर पर केंद्रित है। इस युद्ध में ये ज़िवेन नव पदोन्नत तियानज उनके रैंक से सभी पुराने तियानज उनके साथ बराबरी की स्थिति में आ गए। वह आज के तियानज उन में लगभग सर्वश्रेष्ठ है। युद्ध के बाद पूर्वी क्षेत्रों से कई सम्राट मिलने आए, जिनमें सभी जातीय समूहों के लोग भी शामिल थे, यहाँ तक कि तियानदाओ और येन्यू के पुराने सम्राट भी शामिल थे। पैमाना अभूतपूर्व और भव्य है। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन ने अभी अभी तियानज उन के दायरे में कदम रखा है। हालांकि वास्तव में उसने हजारों वर्षों से तियानज उन के दायरे में कदम रखा है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। वास्तविक लोगों की नजर में ये ज़िवेन अब उन पुराने जमाने के स्वर्गीय स्वामी द्वारा पहचाना जाता है। चाहे वे इच्छुक हो या अनिच्छुक, ये ज़िवेन मजबूती से उभरे हैं और एक ऐसी हस्ती बन गए हैं जिसका उन्हें सामना करना होगा। हालांकि जब ये ज़िवेन पहली बार स्वर्ग का सम्राट बना तो बहुत से लोग उसे बधाई देने आए, लेकिन येन्यू कबीले और तियानदाओ संप्रदाय के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक पूर्वी क्षेत्र के कई महान धर्मों का नेता था और दूसरा पूर्वी क्षेत्र के मजबूत परिवारों का कंधा था। इन दो दिग्गजों का रवैया ये दर्शाता है कि मानव जाति को वास्तव में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि टेरान पहले से ही सामान्य बड़े परिवारों से ऊपर है, फिर भी ये दो शीर्ष 10 सुपर धर्मों और शीर्ष 10 मजबूत परिवारों के साथ तुलना करने से बहुत दूर है। इससे पहले भूत कबीले को हमेशा लगता था कि वे दो दिग्गजों के तहत पूर्वी क्षेत्र में तीसरे स्थान पर हैं, अगर पूर्वी स्वर्ग घर के सुपर विशाल को नहीं गिना जाए। ये वास्तव में एक बहुत ही हास्यास्पद विचार है कि जब तक स्वर्ग का राक्षस भक्षण करने वाला राक्षस स्वर्ग के दायरे में आता है, तब तक वह उनके साथ बराबरी पर रह सकता है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में कभी भी स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। यहाँ तक कि स्वर्ग का राक्षस भक्षण करने वाला राक्षस भी सिर्फ एक ताओवादी पुजारी है और ये ज़िवेन द्वारा मारा गया था। इसलिए वे यह नहीं समझते कि तियानज उन और तियानज उन के बीच एक बड़ा अंतर है। इस समय जातीय समूहों की ताकत उनकी स्थिति के कारण का केवल एक हिस्सा है। वास्तविक अंतर अभी भी स्वर्गीय प्रभुओं के बीच का अंतर है। अब तू ज़िवेन ने अंततः इस आखिरी कमजोरी को दूर कर लिया है और उसे पहचान लिया गया है। टेरान वास्तव में तीसरी सबसे बड़ी लोक शक्ति बन गई है जो पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख घटनाओं का फैसला कर सकती है। जातीय समूह के लिए तियानदाओ संप्रदाय और येन्यू कबीले की तुलना में अभी भी कुछ विवरण है जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह ये ज़िवेन के चमकदार प्रदर्शन की तुलना में कुछ भी नहीं है। आज से जब टेरान बोलेगा तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और जोर से बोलेंगे। कोई भी टेरान की आवाज को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच वजन है जो काफी है। एक व्यक्ति पूरे परिवार को समृद्ध बनाता है। प्राचीन काल से जो होता आया है वह आज के युग में पुनः घटित हो रहा है। जबकि ये ज़िवेन अभी भी इन चीजों में व्यस्त था, उसे अंततः डोंटिया नज़ुन से खबर मिली कि वह युग युद्ध के मैदान में भाग लेने जा रहा था। ये ज़िवेन ने स्वर्गीय अग्नि के देवता को मार डाला, लेकिन वर्षों से अधिक समय में युग युद्ध के मैदान का समर्थन करने के लिए सृजन के देवता की सेना इकट्ठी हो गई है। इस बार ये ज़िवेन के अलावा चंद्रमा सम्राट बियान ज़ियाओयु, मानव सम्राट और ज़िनत्यानलेई सम्राट के नेतृत्व में तीन सम्राट हैं। इसके अलावा उन्होंने टेरान के 100,000 अभिजात वर्ग को भी आदेश दिया। यह कोई साधारण टेरान सेना नहीं है, बल्कि अभिजात्य वर्ग के बीच की कुलीन सेना है। कोई भी कप्तान दिव्य राजा के स्तर पर होता है और अर्ध सम्राट असामान्य नहीं है। संख्या 200 से अधिक है। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये सभी संभ्रांत लोगों को साथ लाती है। इस युद्ध की मुख्य शक्ति सृष्टि के देवता की सेना है, अन्य तो केवल सहायता मात्र है। यदि सृष्टि का ईश्वर दूसरों को तोप के चारे के समान मानता है तो मुझे डर है कि तुरंत दंगा हो जाएगा। हालांकि ये ज़िवेन केवल टेरान के अभिजात वर्ग को सम्मानित करने के नाम पर उन्हें अपने साथ ले गए। ये पिछले 10,000 वर्षों में विकसित की गई नींव है। अन्यथा यदि टेरान ने इस तरह के अभिजात वर्ग को लिया तो ये पुराने घोंसले की रक्षा छोड़ने के समान होगा। इस बार सम्राट और अन्य लोगों को छोड़कर अन्य को ये ज़िवेन ने बड़ी जादुई शक्ति से अपने आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में कैद कर लिया था। जब प्रांत आएगा तो वहां का एक बड़ा क्षेत्र वहां छोड़ा जाएगा। जब तुम ज़िवेन पहुंचे तो अन्य स्वर्गीय प्राणी भी एक के बाद एक पहुंचे। जब तक वे स्वर्गीय प्राणी थे जो युग युद्ध के मैदान में गए थे, वे सभी एकत्र हुए। ये भी आपस में अपने अपने खेमे के हिसाब से अलग अलग खड़े होते हैं, कुल 5 ग्रुप। ये ज़िवेन की तरह अन्य लोगों ने भी अपने आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में अपनी सेना एकत्र की और उसकी तस्वीरें खींची, केवल कुछ ही सम्राटों के साथ।
एक समय घटनास्थल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। वे सभी बाहर के प्रसिद्ध लोग थे। उन्होंने अपने पैर पटक दिए और दुनिया कांपते हुए बड़े लोगों का अनुसरण करेगी, लेकिन इस समय वे यहाँ के सबसे सामान्य लोग थे। सम्राट के पास बोलने की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए उन्हें चुप रहना पड़ा। अन्य शिविर ठीक हैं, लेकिन नांटियानजुन का शिविर स्पष्ट रूप से थोड़ा शत्रुतापूर्ण है। उन लोगों की तुलना में जो अंतरिक्ष समय तियानजुन के करीब हैं, उनकी नजर भी स्पष्ट रूप से खराब है। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी तियानजुन के अधीनस्थ तियानजुन सभी अप्रासंगिक हैं। जाहिर है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यदि वे शत्रु बनना चाहें तो भी ये बहुत कठिन है। हाँ हाँ वुजून, आप इसमें अच्छे हैं। यहाँ तक कि नान तियानजुन ने भी आपकी वजह से अपना आपा खो दिया है। शी तियानजुन के शिविर से चांदी की घंटी की तरह एक स्पष्ट और कर्कश आवाज आई, लेकिन यह वह नहीं थी जो शी तियानजुन ने बोली थी। केवल उसने नान तियानजुन के घाव को कुरेने का साहस किया। उसकी ताकत नान तियानजुन से कमतर नहीं है। इसके अलावा वह अभी भी एक महिला तियानजुन है। इसका फायदा उठाने से बचना मुश्किल है। ये ज़िवेन के चेहरे पर कुछ अप्रत्याशित भाव दिख रहा था। उसे यकीन नहीं था इस समय क्या शी तियानजुन ने वास्तव में सोचा था कि उसका हाथ था, या क्या ये बस उसके और दक्षिण तियानजुन शिविर के बीच अधिक विरोधाभास पैदा कर रहा है। निश्चित रूप से जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दक्षिण तियानजुन शिविर के तियानजुन एक के बाद एक आ गए। ये ज़िवेन को गुप्त रूप से कहना पड़ा कि कोई भी महिला जो स्वर्गीय प्राणी के दायरे में कदम रख सकती है वो सरल नहीं है, या पुरुष स्वर्गीय प्राणी से अधिक शक्तिशाली भी नहीं है, अन्यथा वह पुरुष प्रधान दुनिया से बाहर नहीं खड़ी हो सकती है। तो ज़िवेन को देखकर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शी तियानजुन भी नाराज नहीं थे। उसने बस ये ज़िवेन के पीछे बयान ज़ियाओयू को पानी की तरह खूबसूरत आंखों से देखा। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें चमका ली और कहा, यह आपका मुख्य शिष्य होना चाहिए युहुआंग। मैंने एक दुर्लभ प्रतिभा के बारे में सुना है। 10,000 से अधिक वर्षों के अभ्यास के बाद उन्होंने सम्राट के दायरे में कदम रखा है। ये वास्तव में अच्छा है। शी तियानजुन के शब्दों ने तुरंत सभी को बयान ज़ियाओयू की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। ये ज़िवेन ने इस बार उसे रोकने में मदद नहीं की। एक सम्राट के रूप में उनमें प्रभुत्व जमाने का ऐसा साहस होना चाहिए। और बयान ज़ियाओयू भी गतिहीन और उदासीन था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह अब घबराई हुई है या नहीं। पश्चिम तियानजुन के ताओवादी मित्रों की सराहना करना शिष्यों के लिए एक आशीर्वाद है। जल्द ही पश्चिम तियानजुन को धन्यवाद, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। धन्यवाद महोदय, बयान ज़ियाओयू आगे आया और सिर झुकाकर सलाम किया। वह नहीं देख सकी कि उसने कितना कुछ किया। वह मूर्ख नहीं थी, वह इसे कैसे नहीं देख सकी। पश्चिम स्वर्गीय ज़ून ऐसा कहेगा। मुझे डर है कि यह कोई साधारण तारीफ नहीं है। उसके शब्दों के कारण कई स्वर्गीय गुरुओं ने गुरु पर शत्रुतापूर्ण निगाहें डाली और वह इसे महसूस कर सकती थी। वह वास्तव में एक बहुत ही आध्यात्मिक लड़की है। यदि यह आपकी पहली शिष्या नहीं होती तो मैं आना चाहूंगा और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहूंगा। शी तियानजुन ने ये ज़िवेन के ठंडे रवैये की परवाह नहीं की, लेकिन ये खुद कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। खलनायक शरारती है। इस बार मैं भी उसे दुनिया दिखाना चाहता हूँ, ताकि मुझे न लगे कि खुद को एक सम्राट के रूप में विकसित करना बहुत अच्छा है, ये ज़िवेन ने शांति से कहा और चुपचाप शी तियानजुन के शब्दों का जवाब दिया। ठीक है, अब समय हो गया है, चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय जब पश्चिमी तियानजुन अभी भी कुछ कहना चाहता था, पूर्वी तियानजुन समय पर प्रकट हुआ और कहा, इस समय लोगों ने देखा कि एक विशाल जहाज धीरे धीरे शून्य में उभरा और विशाल जहाज पर बिखरी हुई चमकती रोशनी लगभग सूर्य के पुनः प्रकट होने के समान थी। चूंकि इस बार बहुत से लोग युग युद्ध क्षेत्र में नहीं गए हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा, क्योंकि युग युद्ध क्षेत्र अराजकता की गहराई में है और सृजन की दुनिया के सबसे बाहरी छोर पर है। यह उस अराजकता से अधिक दूर है जिसे आप आमतौर पर खोजते हैं तियानकाय और दिबाओ के लिए। अकेले ट्रांसमिशन सरणी को एक समय में प्रसारित नहीं किया जा सकता है। यदि आप अतीत को प्रसारित करना चाहते हैं, तो अंतरिक्ष की शक्ति जिसका आपको सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी जोर दिया जाएगा, घायल और फटे हुए, आप केवल शटल कर सकते हैं भाग्य के स्वर्गीय राजा द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत इस भाग्यशाली युद्धपोत पर आगे और पीछे। डोम तियानजुन ने बताया कि इस बार जाने वाले लोगों में ये ज़िवेन जैसे लोग भी थे जो पहली बार गए थे। ये व्याख्या अभी भी बहुत आवश्यक है। ये ज़िवेन चुप थी। उसने कुछ अनुमान लगाया था। यदि युग का युद्ध क्षेत्र बहुत निकट होता तो मुझे डर था कि प्राचीन युग के विशेषज्ञ घुसाते और सृष्टि के देवता को नुकसान पहुंचाते। हालांकि ऐसा नहीं हुआ।
वास्तविक नाम युग युद्ध क्षेत्र बहुत दूर हो गया है। यहाँ तक कि प्राचीन काल के विशेषज्ञ भी इसे सीधे तौर पर पार नहीं कर पाते। आप जानते हैं, अराजकता को पार करना वैसा ही है जैसे आम लोग लकड़ी की छोटी नाव में विशाल समुद्र को पार करते हैं। वे किसी भी समय लहर से ढह सकते हैं। अराजकता में खतरे की डिग्री समुद्र की तुलना में बहुत अधिक है। सम्राट के प्रवेश में बड़ा खतरा है। भले ही सम्राट बहुत गहरा हो, उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह पूरी तरह से पीछे हट सकता है। केवल वे ही इसमें शामिल हो सकते हैं जो स्वर्गीय प्रभुओं में सबसे शक्तिशाली है। यदि आप ऐसी जगह को पार करना चाहते हैं, तो आप बाहरी ताकतों की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसके विपरीत बियान ज़ियाओयू ने उनके चेहरे पर कुछ हद तक हैरान भाव दिखाया। उन्हें युग युद्ध क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थिति का ज्ञान नहीं था। सृष्टि के देव राजवंश के लिए यहाँ तक कि दूर के स्थानों में भी कुछ और ट्रांसमिशन सरणियों को परिवर्तित करना बहुत सुविधाजनक था। अब मेरे पास युग युद्ध क्षेत्र की दूरी की एक अस्पष्ट अवधारणा है। कुछ देर की झिझक के बाद कई लोग जल्द ही शांत हो गए। आखिरकार वहाँ या तो सम्राट मौजूद है या स्वर्गीय स्वामी। वे सभी असाधारण प्राणी हैं और लाखों प्राणियों में से एक भी नहीं हो सकता है। एक के बाद एक वे भाग्य का नाश करने वाले अपने अपने स्वर्गीय स्वामी के पीछे चल पड़े। मेरे लिए इस भाग्यशाली युद्धपोत पर बैठने का ये पहला मौका है। ऐसा कहा जाता है कि इस भाग्यशाली युद्धपोत की शक्ति भी बेहद भयानक है। यह अंतहीन अराजकता में टकराने के लिए पर्याप्त है। कोई भी टक्कर एक दुनिया को ध्वस्त कर देगी। ये भी उनमें से एक है, हमारे भाग्यशाली देव वंश के कार्ड। जान जून को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि इस बार वह बहुत सारे लोगों को नहीं लाया, बल्कि अपने शिष्य तितली सम्राट को लाया। वे युद्धपोत के डेक पर एक जगह आए और पालथी मारकर बैठ गए। तितली सम्राट, चंद्रमा सम्राट और अन्य लोगों ने भी तेजी से अनुसरण किया। भाग्य का नाश करने वाले के युग युद्ध क्षेत्र में जाने से ठीक पहले मैं आपके साथ युग युद्ध क्षेत्र के बारे में हाल ही में मिली कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। जान जून ने अपना मुंह खोला और कहा कि पास में केवल ये ज़िवेन ही उसकी आवाज सुन सकता है। कृपया कहे, ये ज़िवेन की आंखें चमक उठी। यही वह चीज थी जिसकी उनमें सबसे अधिक कमी थी। वह फिर से जांच करने के लिए युग युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता था, क्योंकि टेरांस के बीच भी युग युद्ध क्षेत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कई अन्य सम्राट भी सीधे और विस्मय में बैठे थे। आप कई प्राचीन युग हैं जो सृष्टि के ईश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़े युग बुराई के युग, बुराई के युग, धर्म और ताओवाद के युग, बौद्ध धर्म और ताओवाद के युग, ड्रैगन परिवार के युग के बारे में है और इसी तरह। वे सभी सर्वोच्च प्राणी हैं जो एक बार पूरी दुनिया में छा गए थे। ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि इन युगों के नाम स्पष्ट रूप से सृष्टि के देवता और यहाँ तक कि अन्य दुनिया में विरासत में मिले हैं। ये प्राचीन युग कैसे हो सकते हैं? ताओवादी मित्र भी जब ये नाम सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब मैंने इन्हें पाया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में मुझे पता चला कि सृष्टि के मूल देवता एकमात्र युग नहीं थे, बल्कि अन्य युग भी नहीं थे जिन्होंने महान विनाश का अनुभव किया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। सृष्टि के ईश्वर में कई विरासतें बची रहीं, न केवल रचना के ईश्वर में, बल्कि पिछले युग की तरह। और अब यदि सृष्टि के ईश्वर ने भी एक महान पतन का अनुभव किया है, तो हम भी अपनी विरासत का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे ये युग। जान जुंडाओ, उस मामले में प्रत्येक युग की अपनी अनूठी सभ्यता होती है। हमारे युग की अनूठी सभ्यता क्या है? क्या यह मार्शल आर्ट है? ये ज़िवेन ने तुरंत पूछा। हाँ, ताओवादी मित्र वास्तव में स्मार्ट है। हमारा युग तथाकथित वुदाओ युग है। हमारे युग का विशिष्ट मार्ग वुदाओ है। इसलिए भविष्य का युग जितना अधिक होगा, उसका मार्ग उतना ही अद्भुत और अधिक होगा। जब भगवान का सृजन अभी भी वहां था, मैंने अनुमान लगाया कि स्वर्ग का ताओ उन्नत हो सकता है। प्रत्येक बड़ा ब्रेक एक उन्नयन प्रक्रिया है। ये 3000 एवेन्यू तक पहुंचने तक समाप्त नहीं होगा, और फिर इसे एक ऐसे बिंदु पर पदोन्नत किया जाएगा जहां कोई नहीं जानता। पर उस समय दुनिया में बड़े विनाश का अनुभव नहीं हो सकता है और लंबे समय तक विकास हो सकता है। व्यापक रूप से फैला हुआ है। 3000 सड़कें, एक युग और एक सड़क, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी 3000 बार टूटेंगे? ये ज़िवेन ने थोड़े भाव परिवर्तन के साथ कहा। चंद्र सम्राट, तितली सम्राट और अन्य लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके लिए स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ा टूटना पहले से ही एक बहुत ही भयानक मौत है, अकेले 3000 बार। यही भी मूल कारण है कि वे हमारे साथ लगातार युद्ध करते हैं। यदि वे पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त हवाई भाग्य नहीं लूट सकते हैं, तो वे इस बड़े विस्फोट से बच नहीं सकते हैं। आखिरकार यदि वे अटकलें लगाते हैं, तो उन्हें इससे गुजरना पड़।
सकता है अनंत जीवन के युग में प्रवेश करने से पहले 3000 बड़ी दुर्घटनाएं। जान जून ने गंभीरता से कहा, 3000 बार ये जिवेन की भौहें अचानक उछल गई। वह नहीं जानता था कि दुनिया ने कितनी बार भारी निराशा का अनुभव किया है, लेकिन उसने सोचा कि केवल एक या दो बार ही समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। उस समय उसी रास्ते पर चलना अपरिहार्य है। हालांकि ये काफी समय बाद था। स्वर्ग और पृथ्वी के पतन से पहले उसकी खेती स्वर्ग और पृथ्वी के पतन को स्वतंत्र रूप से सहन करने में सक्षम हो सकती थी। आखिर जीवित रहने का युग एक या दो का नहीं होता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बुदाओ युग जीवित न रह सके। अब अत्यावश्यक कार्य अन्य प्राचीन युगों के आक्रमणों को प्रतिकार करना है। यदि रक्षा रेखा इस तरह से टूट जाती है तो कोई भविष्य नहीं होगा, और ऐसे मामले वास्तव में घटित हुए हैं। हाँ, 3000 बार, लेकिन यह अभी बहुत दूर है। हम अब उनके हमले का जवाब देंगे। जान जून दाओ। जैसे ही जान जून की आवाज गिरी, भाग्यशाली युद्धपोत शुरू हो गया। जब विशाल युद्धपोत शुरू होता है, ये भी शांत था, अनगिनत शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, और फिर तेज हो गया और सीधे ट्रांसमिशन सरणी में पहुंच गया। अचानक सभी के चारों ओर का वातावरण अनंत रंगीन रोशनी वाले चैनल में बदल गया, और समय और स्थान के अनगिनत नियम स्पष्ट हो गए। इस चैनल और स्थान को बनाने के लिए एक साथ उलझ गए। सामान्य समय में देखने वाली सबसे दुर्लभ बात यह है कि समय और स्थान के नियम स्पष्ट हो गए हैं, और युद्धपोत पर हर कोई क्रॉस लेग करके समझने लगा है। यह अवसर कभी भी और कहीं भी नहीं मिल सकता। भाग्यशाली युद्धपोत की गति और तेज होती जा रही है। जल्द ही लोगों को पता नहीं चलता कि वे कहाँ हैं। वे अभी भी ट्रांसमिशन एरे में तेजी ला रहे हैं। भाग्यशाली युद्धपोत के सबसे बाहरी किनारे पर जब कोई अतिरिक्त रक्षा अवरोध होता है तो उन्हें पता नहीं चलता। अन्यथा समय और स्थान को चीर कर प्रकट कर देने वाली इस भयानक गति के सामने सम्राट को भी घृणा करनी चाहिए। ये जिवेन ने समय और स्थान के नियम को देखा जो उसके सामने तेजी से खत्म हो गया और चुपचाप उसकी गति की गणना की। जब मैं वास्तव में अटकलें लगाता हूँ तो मैं अंधेरा होने से खुद को नहीं रोक पाता। इस गति से यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया केवल टकराव से नष्ट हो सकती है। युग युद्ध क्षेत्र इतना दूर है कि लोगों को पूरी तरह से एहसास हो गया है कि भाग्य के युद्धपोतों की पूरी उड़ान की स्थिति के तहत वे पूरे दिन और रात के लिए उड़ान भर रहे थे और अंततः रुक गए। जब जहाज रुका तो इसका पता चला। यह एक अंतहीन अराजकता थी। ये जिवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि सर्वव्यापी स्वर्ग मार्ग, जो मूल रूप से सृष्टि के देवता में था, कमजोर होने के संकेत थे। यह एक स्पष्ट एहसास है कि स्वर्ग के रास्ते की बाधा ये जिवेन जैसे स्वर्गीय स्वामी के लिए कमजोर हो रही है। आपको महसूस करना चाहिए कि स्वर्ग की शक्ति कमजोर हो रही है। अब हम युग युद्ध के मैदान के किनारे पर पहुंच गए हैं। खुश हो जाओ, क्योंकि चंद्रमा शहर टूट गया है और रक्षा पंक्ति टूट गई है, इसलिए हम पर हमला किया जा सकता है। इस समय दोन त्यानजुन खड़े हुए और कहा। सभी स्वर्गीय सम्राटों ने गंभीरता से सिर हिलाया। सृष्टि के ईश्वर का दायरा कितना भी व्यापक क्यों न हो, उसकी एक सीमा भी है। जब वे युग युद्ध के मैदान के किनारे पहुंचे तो उन्हें लगा कि स्वर्ग का मार्ग कमजोर हो रहा है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन युग के स्वामियों पर स्वर्ग के मार्ग का दमन भी कमजोर हो रहा है। अनुस्मारक के बाद डोंग तियानजुन ने धर्म सूत्र को धारण किया और निर्माता युद्धपोत फिर से शुरू हुआ, सीधे अराजकता को तोड़ दिया और अराजकता में टकरा गया। इस बार कोई रंगीन चैनल नहीं था, लेकिन अंतहीन अराजकता में हर जगह एक ही स्थिति थी और कोई मजबूत बदलाव नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों के सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ। शहर इतना विशाल था कि इसे सम्राट की आंखों से एक बार में नहीं देखा जा सकता था। यह एक बड़ी दुनिया की तरह है। नहीं, यह तो कहना चाहिए कि यह बहुत बड़ी दुनिया है। इसे कैप्चर किया गया, फोटो खींची गई, यहाँ रखा गया और फिर एक बड़ा शहर बना दिया गया। हालांकि आपने महाद्वीप के बराबर कई विशाल शहर देखे हैं, फिर भी जब आप इस विशाल शहर को देखते हैं तो आपको बहुत आश्चर्य होता है। देवियों और सज्जनों, इस बार हमारा गंतव्य यही है, सन सिटी। इस बार बोलने की बारी भी त्यानजुन की थी। जब ये जीवन ने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि उस दिन के शहर की दीवार बादलों में ऊंची हो गई थी और अनंत अराजकता में समा गई थी। बाहरी लोगों के हमले और अराजकता के क्षरण का विरोध करने के लिए इसे विभिन्न सरणियों और सीमाओं के साथ चित्रित किया गया था। ये बहुत ही चतुर तकनीक थी। कम से कम इसकी व्यवस्था स्वर्ग से ऊपर के विशेषज्ञों द्वारा की जा सकती थी। ये लगभग सृष्टि के ईश्वर के तुलनीय था। यह कोई बड़ी बात नहीं है जो सामान्य मजबूत परिवार और स्वर्गीय गरिमा वाले महान धर्म कर सकते हैं। कुछ सारणियां बहुत पुरानी हैं। समय ने उन पर गहरे निशान उकेरे हैं, लेकिन वे सरणी के संचालन को रोक नहीं सकते हैं।
शहर की दीवार पर कई लंबे और मजबूत सैनिक हैं। जाहिर है, क्योंकि चंद्रमा शहर टूट गया था, सूर्य शहर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी की स्थिति में प्रवेश कर गया है। इनमें से प्रत्येक सैनिक के पास अच्छी खेती है। दीवार पर खड़े होकर वे 100 साल तक नहीं हिलेंगे। हालांकि ये व्यूह और रक्षात्मक बाधाएं भाग्य का नाश करने वाले के लिए नहीं आएंगी। वे आसानी से जापानी शहर में चले गए। दूर से देखने पर पूरा जापानी शहर बहुत समृद्ध है। ये सृष्टि के ईश्वर से ज्यादा बुरा नहीं है। इसे सृष्टि के देवता ने बड़ी ताकत से बनाया है। हर शहर असाधारण है। विघ्नहर्ता जापान नगर को बड़ी तेजी से पार कर गया, परंतु एक ही क्षण में वह जापान नगर के मध्य एक चौक पर आ पहुंचा और अंत में गिर पड़ा। कुछ लोग यहां बहुत दिनों से भाग्य विनाशक पर सवार लोगों का स्वागत करने और उन्हें एक विशाल हॉल में ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हॉल में कई स्वर्गीय भगवान रहे हैं। जाहिर है, वे स्वर्ग और पृथ्वी के 10 शहरों, ब्रह्मांड की बाढ़ और सूर्य और चंद्रमा के विशेषज्ञ हैं। हॉल में प्रवेश करने के बाद वहां पहले से ही कई स्वर्गीय स्वामी और सम्राट प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो लोग भव्य योजना पर चर्चा करने के लिए यहां प्रवेश कर सकते हैं, वे मूल रूप से सृष्टि के भगवान के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। भावी सम्राट के पास इसमें कदम रखने की योग्यता भी नहीं है। यहां तक कि कुछ बैठकें ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल स्वर्गीय गुरु ही भाग लेने के योग्य होते हैं। अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये अलग अलग भी होते हैं। मुख्य हॉल में स्वर्गीय प्रभुओं ने सिंहासनों की मध्य पंक्ति में प्रवेश किया और सम्राट परिधि में स्थित थे, जो स्वर्गीय प्रभुओं की तुलना में बहुत नीचे था, ताकि स्वर्गीय प्रभुओं की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाया जा सके। स्वर्गीय जूनों के बीच भी ऊंच नीच होती है। साधारण स्वर्गीय जून केवल दोनों तरफ है और शीर्ष पर 15 सिंहासन है, लेकिन केवल 2 लोग हैं। जब दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय जून आते हैं, तो वे उनमें से 4 में बैठते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष समय भगवान भी 15 सिंहासनों से ऊपर रैंक करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन केवल प्रथम रैंक कर सकते हैं। हालांकि रैंकिंग भी 15 सिंहासन के अंतर्गत प्रथम व्यक्ति है, फिर भी ये 15 सिंहासन के बराबर होने में असमर्थ है। ये शिवेन ने तुरंत समझ लिया कि 15 सिंहासनों में दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और मध्य विद्यालयों में 5 स्वर्गीय प्रभुओं के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड, बाढ़, सूर्य के 10 दिव्य शहरों के शहर स्वामी भी थे और चांद। उन्होंने जहाज पर जानजून का दृश्य भी सुना था और कई युग के युद्ध क्षेत्रों की संरचना भी देखी थी। सृजन के देवता राजवंश में दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय मूर्तियों का सम्मान किया जाता था, जबकि युग युद्ध के मैदान में इन 10 दिव्य शहरों के शहर के मालिक पहले थे। दोनों पक्ष सृष्टि के देव राजवंश की 2 शाखाओं से संबंधित है। वे बराबरी पर है। शक्ति की दृष्टि से वे सृष्टि के देव वंश में भी शीर्षस्थ नेता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे 2 नगर स्वामी कौन थे जो 15 सिंहासनों पर बैठे थे। लेकिन जल्द ही तू जिवेन ने अपने आत्म परिचय से सीख लिया। उनमें से एक लंबा आदमी था जिसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी चमक को जबत करना चाहता हो। वह जापान नगर का स्वामी था। उसके बगल में मध्यम कद का एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उच्च आत्माओं में स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की गति होती है। ये शख्स कोई और नहीं, वह चंद्रमा शहर का स्वामी है जिस पर पहले भी हमला किया गया था। हालांकि चांद शहर पर हमला किया गया था, हालांकि युचेन के स्वामी पकड़े नहीं गए। काफी संख्या में स्वामी भाग निकले, विशेषकर युचेन के स्वामी। वह संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर में शीर्ष गुरुओं में से एक है। सृष्टि के देवता में उनकी स्थिति दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय गुरुओं के बराबर है। प्रकृति को खत्म करना इतना आसान नहीं है। उसकी शक्ल सूरत को देखते हुए मैं उसकी विफलता की छाया भी नहीं देख सकता। उनके जैसे गैडाई के नायक एक से बढ़कर एक दृढ़ निश्चयी है। इतनी बड़ी घटना का भी उसके मूल हृदय पर वास्तव में प्रभाव डालना कठिन है। सृजन के देवता में रहने के लिए जापान शहर में आने के लिए आपका स्वागत है। हालांकि हाल की घटनाओं के कारण मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं, तो क्या विनम्र शब्द है, मैं और अधिक नहीं कहूंगा। जापानी शहर के नेता ने खड़े होकर कहा कि मेजबान के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से बैठक का नेतृत्व किया। अब मैं आपको वर्तमान युद्ध क्षेत्र का सामान्य परिचय दूंगा। जापानी शहर के नेता ने लोगों की ओर देखा और कहा, आप 10 देवताओं के शहर की रक्षा खतरे में है क्योंकि चंद्रमा का शहर टूट गया है। इस वजह से कई अन्य शहर के मालिक नहीं आए क्योंकि वे अपने स्वयं के दिव्य शहरों में बैठना चाहते हैं। चंद्रमा के शहर के टूटने के बाद प्राचीन युग में उन्होंने चंद्रमा शहर के पास उपग्रह शहरों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया।
वर्तमान में उन्होंने कई उपग्रह शहरों को तोड़ दिया है, अनगिनत लोगों को लूटा और मार डाला है। मैं अब भगवान के राजवंश के लोग हूँ। हमारे 9 पवित्र शहरों की सेनाएं हैं। चंद्रमा शहर की शेष सेनाओं के साथ सहयोग करने और चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए इकट्ठा होने और योजना बनाने की योजना, इसलिए फिलहाल हमें इन उपग्रह शहरों की परवाह नहीं है। आप यहाँ हैं, आप कृपया अपने आदमी और घोड़े भेजें उन उपग्रह शहरों को जिन्होंने घेराबंदी हटाने के लिए चेतावनी भेजी है। प्राचीन युग में उन लोगों और घोड़ों को भगाना भी हमारे कार्यों का समर्थन करने के रूप में माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जापान शहर के शब्दों ने तुरंत स्वर्गीय राजाओं के बीच हलचल पैदा कर दी। सृष्टि के देवता। जापान के सिटी लॉर्ड के शब्दों के अनुसार ये स्पष्ट है कि उनका हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है, जिससे कई स्वर्गीय स्वामी जो एक बड़ा मतदान करने का इरादा रखते हैं, वे थोड़ा निराश हो जाते हैं। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी और लौकिक और स्थानिक स्वर्गीय स्वामी और भी अधिक उदास है। वे सभी चंद्रमा के शहर पर फिर से कब्जा करने और एक ही झटके में सृजन के भगवान के कम्युनिस्ट भगवान के पद पर चढ़ने की इस लड़ाई में खड़े होना चाहते हैं। हालांकि जाहिर है युग युद्ध के मैदान में लोग नहीं चाहते कि वे इतने खुश हों। ये ज़िवेन को भी शुरुआत में कुछ संदेह थे। क्या 10 दिव्य शहरों के शहर मालिक अधिक शक्तिशाली सैनिकों के साथ चंद्रमा शहर पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहते हैं? ये जीतने का काफी बेहतर मौका है, लेकिन फिर वह समझना चाहता था कि ऐसा क्यों है। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मध्य स्वर्ग की स्थिति वास्तव में विशेष है। जब विधाता था तब भी वह विधाता का मुख्य उपप्रधान था। निर्माता के गायब होने के बाद वह लगभग निर्माता भगवान राजवंश का नामात्र सह भगवान था। हालांकि बाध्यकारी बल की तुलना निर्माता के साथ नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह अभी भी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी और शहर के स्वामी से बेहतर है। 10 दिव्य नगर। उस समय मुझे डर है कि शीर्ष 10 दिव्य शहरों के शहर के नेताओं की स्थिति कुछ हद तक सीमित हो जाएगी, और यही वह है जो वे देखना नहीं चाहते हैं। अब हालांकि सृजन के देवता को बिना सिर वाले ड्रैगन का समूह कहा जा सकता है, पार्टी का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक प्रमुख नेता की स्थिति गहराई से जड़े जमा चुकी है और डिफॉल्ट रूप से सबसे अच्छा मॉडल बन गई है। जब तक रचनाकार जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति न हो, वर्तमान स्थिति को बदलना संभव है। तो ज़िवेन के लिए ये भी एक बाधा है, क्योंकि यदि डोंग तियानज़ुन श्रेष्ठ नहीं है तो वह कैसे सफल हो सकता है। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो वह सृष्टि के ईश्वर में सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन सकता है। आपकी कोई राय नहीं है, जापानी शहर के नेता ने भीड़ की ओर देखकर कहा। एक दूसरे को देखने के बाद सृष्टि के देवता के सभी स्वर्गीय गुरुओं ने दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय गुरुओं और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय गुरुओं को देखा। आखिरकार वे इस कार्रवाई में प्रथम थे, यह उनके रवैये पर निर्भर करता है। केवल कुछ लोगों के चेहरे पानी की तरह भारी थे और कोई भाव नहीं था। लंबे समय के बाद ही डोंग तियानज़ुन ने कहा, मेरी कोई राय नहीं है। परिधि में प्राचीन युग के विशेषज्ञों को बाहर निकालना भी चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए युद्ध का बेहतर समर्थन करना है। डोंग तियानज़ुन ने बात की और अन्य तियानज़ुन में से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। स्वाभाविक रूप से अन्य तियानज़ुन दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से वापस जाकर पूछना चाहते थे। हालांकि ये ज़िवेन जापान के सिटी मास्टर के शब्दों से देख सकते हैं। मुझे डर है कि सृष्टि का ईश्वर शांत नहीं है। हर कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन इसी तरह कोई नहीं चाहता कि दूसरे श्रेष्ठ बने। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वे सभी क्षेत्र भेजूंगा जिनके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे ही जापानी शहर के नेता ने अपना हाथ हिलाया, आपके स्वर्गीय आकाओं के पास तुरंत उस युग के युद्ध क्षेत्र और जिस शहर के लिए वे जिम्मेदार थे युद्ध की स्थिति की जानकारी की एक प्रति थी। ये ज़िवेन ने भी इसमें अपना दिमाग लगाया और जल्द ही स्पष्ट रूप से देखा कि इस बार जिस क्षेत्र के लिए वह जिम्मेदार था वह विशेष रूप से विभाजित 31वां क्षेत्र था। क्षेत्र में 3 उपग्रह शहर थे। खुफिया वास्तविकता के अनुसार उपग्रह शहरों में से एक टूट गया था और शेष 2 उपग्रह शहरों ने संकट संकेत भेजे थे। ये उपग्रह शहर गोंगवेई के 10 देव शहरों में मौजूद हैं, जिन्हें सबसे परिधीय अस्तित्व कहा जा सकता है। हालांकि इसकी वजह यह है कि ये ज़िवेन को अधिक संदेह है। रिचेन के तियानज़ुन द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार युचेन की परिधि में कई उपग्रह शहर हैं। उन प्राचीन युगों ने इन उपग्रह शहरों को बिना हटाए कैसे हटा दिया, सीधे चंद्रमा शहर पर हमला किया और वास्तव में चंद्रमा शहर को सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया। उन घने उपग्रह शहरों का जिक्र नहीं, केवल चंद्रमा शहर की रक्षा। सन सिटी को देखकर ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
तैरान को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, भले ही पूरे परिवार ने मौत का जोखिम उठाया हो, यह अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा शहर के फर को तोड़ना मुश्किल है। अन्यथा इन 10 पवित्र शहरों पर बहुत पहले ही कब्जा कर लिया गया होता, और इन 10 पवित्र शहरों की स्थापना के बाद ये पहली बार है। कुछ तो ऐसा होगा जो वे नहीं जानते। ऐसा लगता है कि उन्हें जानकारी एकत्र करने में कुछ समय बिताने की जरूरत है। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो आइए तुरंत शुरू करें। सैन्य स्थिति अत्यावश्यक है। मैं थोड़ी देर के लिए देरी नहीं कर सकता, जापान नगर का सम्राट धीरे से बोला। स्वर्गीय प्रभुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि वे यहां से परिचित नहीं थे, अराजकता उनके लिए जेरी नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि जापानी शहर लॉर्ड ने कहा, सैन्य स्थिति अत्यावश्यक थी। यदि प्राचीन युग में चंद्रमा के शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता तो इसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता। यहां तक कि प्राचीन युग की सेनाएं भी इस अंतराल को केंद्र मानकर सीधे प्रवेश कर सकती है। स्वाभाविक रूप से परिणाम बेहद भयानक होते हैं। वे इस परिणाम का सामना करने को भी तैयार नहीं है। समग्र स्थिति के बारे में उनका अभी भी यही दृष्टिकोण है। अपनी उपलब्धियों के साथ उन्हें आराम करने और ठीक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वे बिना दबाव के मौके पर लड़ सकते हैं। जैसे ही सभी लोग उठे और जाने के लिए तैयार हुए, अचानक सम्राट की सीट से जियो की डांट सुनाई दी। लोगों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुरुष और एक महिला हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे थे, और महिला सम्राट ने पुरुष सम्राट की ओर देखा और खा लिया। ये जिवेन की अभिव्यक्ति अचानक तेज हो गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि महिला सम्राट कोई और नहीं बल्कि बियान जियाओयू थी। इस समय बियान जियाओयू के चेहरे पर कुछ हद तक गुस्सा दिख रहा था। कशीदाकारी भौहें और उल्टी खड़ी थी, और उसकी आंखें सीधे आग की लपटों को बाहर निकालने में सक्षम लग रही थी। उसके सामने एक सुंदर पुरुष सम्राट बैठा था। उसने बियान जियाओयू को एक प्रकार की अश्लील दृष्टि से देखा। उसकी आंखें बियान जियाओयू को घूरती थी और ऐसा नहीं लगता था कि वह अन्य लोगों की आंखों को दिल से लगा रहा था। बोर्ड ये जिवेन गुस्से में चिल्लाया, अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत एक बड़ी ताकत गड़गड़ाहट के साथ पुरुष सम्राट पर टूट पड़ी। ये जिवेन का हमला बिजली की तरह तेज था। एक पल में उसने जगह फाड़ दी और पुरुष सम्राट के सामने बह गया। ये जिवेन की शक्ति के साथ एक बार जब इसकी तस्वीर खींच ली जाती है तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं है। एक सम्राट ही मरेगा तो मरेगा, वह क्या कर सकता है। अब वह एक भगवान है और उसे एक साधारण सम्राट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, हालांकि उसने उस आदमी का व्यवहार नहीं देखा, लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति और बियान जियाओयू के गुस्से का अनुमान लगा सकता था। वह एकदम से बहुत क्रोधित हो गया। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा हाथ बढ़ा और ये जिवेन के हमले की तस्वीर खींची। एक पल में तू जिवेन का हमला क्यूई के द्रव्यमान की तरह था, सीधे तितर बितर हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये जिवेन ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चाकू की तरह थी और सीधे सिंहासन पर बैठे चंद्रमा शहर के भगवान की ओर इशारा किया। ये जिवेन की आंखों का सामना करते हुए यूचेन के भगवान ने अपना चेहरा नहीं बदला, लेकिन ये जिवेन को बहुत शांति से देखा। आप क्या चाहते हैं? ये जिवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? चांद शहर के मालिक ने बेहोश होकर पूछा, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी और वह ये जिवेन की आंखों से नहीं डरता था। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? हम आपके बेटे द्वारा मेरे शिष्यों को परेशान करना एक बड़ा अपराध है, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि पुरुष सम्राट वास्तव में चंद्र नगर के स्वामी का पुत्र था। वह थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। यदि यूचेन के भगवान ने अपना सिर झुका दिया तो ये जिवेन हार मान लेंगे, लेकिन वह ऊंचे दिख रहे थे और उनमें अपराध की कोई भावना नहीं थी, जिससे ये जिवेन पूरी तरह से नाराज हो गए। यूचेन का भगवान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह गूंथने लायक नर्म खुरमा नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमा शहर के भगवान ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी अहंकार से भरी है। वह हमेशा से ये जीवन जैसे लोगों के लिए ऐसा ही रहा है जो अपना नाम भी याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये जीवन के विचार में यह अहंकारी अभिव्यक्ति अधिक घृणित लगती है। वह हमारे पूर्वी क्षेत्र में नए स्वर्गीय गुरु है, वो जून मानव जाति के नेता। इस समय डोन त्यानजुन आगे आए और अस्पष्ट रूप से इंगित करते हुए कहा कि ये जीवन का जन्म पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। इस महीने में चंद्र नगरी के नगर स्वामी को न केवल भिक्षु के चेहरे को देखना चाहिए, बल्कि बुद्ध के चेहरे को भी देखना चाहिए। उसे कुछ चेहरा देना चाहिए।
तेहरान, क्या यह उस व्यक्ति का समूह है जिसने बहुत बड़ा अपराध किया और सृजन की कुंजी ले ली? यूचेन के मालिक ने अपना मुंह उठाया और कुछ सोचने लगा। फिर उसने येजीवेन की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस समूह में से किसी को फिर से स्वर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है। यह अविश्वसनीय है। यदि आप मेरी आज्ञा के अधीन होते तो हजारों वर्षों तक आपदा से बचने के लिए आपने बहुत पहले ही अपने परिवार को मार डाला होता। ये जीवेन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसका चेहरा उदास था। चंद्रनगर का स्वामी अत्यधिक अहंकारी था, यहाँ तक कि उसने टेरेंस को नष्ट करने की धमकी भी दी, जिसने ये जीवेन के दिल में दूसरी निचली रेखा का उल्लंघन किया था। ताओवादी मित्रों ने मजाक किया। आखिरकार वुजुन उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी रचना के देवता के लिए भी बहुत योगदान दिया, जो मेरी रचना के देवता के लिए एक महान योगदान है। डोन तियानजुन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और यूचेन के सिटी मास्टर के शब्दों को मजाक के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। जहां तक अतीत की बात है, वह सब खत्म हो गया है ना? क्या ये खत्म हो गया? कितने ताओवादी दोस्तों को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। उनके रिश्ते के कारण हमारे युग का युद्ध क्षेत्र बार बार पीछे हट जाता है। यदि नहीं तो ये कैसे हो सकता है? चंद्रनगर प्रभु ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं एक ताओवादी मित्र की टोपी नहीं खरीद सकता। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहना स्वाभाविक है कि यह सही है या गलत, गुण और दोष, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ वह ये है कि आपका बेटा मेरे शिष्यों का तिरस्कार करता है। आपको यह मुझे समझाना चाहिए। ये जीवेन आगे बढ़े, उनकी आंखें बिजली की तरह थी, यूचेन के सिटी मास्टर को घूरते हुए कहा। अन्य स्वर्गीय स्वामी दोनों व्यक्तियों को एक के बाद एक घूरते रहे, विशेष रूप से अन्य तीन देवता, समय और स्थान देवता और जापान के शहर स्वामी मनाने के लिए आगे नहीं आए। हालांकि अब एकजुट होने का समय आ गया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे दो सम्राटों के लिए लड़ेंगे। वह सचमुच बेकार है। आपका शिष्य अच्छा भी लगता है। चूंकि मेरे बच्चे को ये पसंद है तो चलो शादी कर लेते हैं। मेरा बच्चा आपके शिष्य से रखेल के रूप में विवाह करेगा। कैसा रहेगा? यद्यपि चंद्रनगर का स्वामी एक प्रश्न है, ये पूर्णतया निर्विवाद है। कई वर्षों से चली आ रही एक शक्तिशाली पार्टी की गति आखिरकार दिखाई दी। भले ही चांद शहर पर कब्जा कर लिया जाए, वह एक खोए हुए कुत्ते की तरह है। हालांकि वह अभी भी चंद्र शहर का स्वामी है, सृष्टि के देवता के कई स्वामियों में से एक। सृष्टि के देवता में वह ताकत और योग्यता दोनों में सबसे आगे है। ये जीवेन जैसी नई पीढ़ी के लिए वे इसे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। मजाक, एक बाघ लड़की एक कुत्ते से कैसे मेल खा सकती है? आपके बेटे की शक्ल देखे बिना वह मेरे शिष्य से उपपत्नी के रूप में शादी करना चाहती है। भले ही वह सही पत्नी हो, फिर भी वह इसके लायक नहीं है। ये जीवेन के चेहरे पर घृणा के प्रति तिरस्कार की झलक दिखी। नगर का पुत्र चांदी का चांद नगर का स्वामी अश्लील लग रहा था। हालांकि उसके पास सम्राट के साथ लोगों की खेती थी, लेकिन उसकी सांसें अस्थिर थी और उसके कौशल जटिल थे। ये स्पष्ट था कि उसकी नींव बहुत खराब थी, जो उसे सम्राट के पद तक पहुंचा सकती थी। सिल्वर मून सिटी के भगवान ने इस कचरे को उगाने के लिए न जाने कितने संसाधन खर्च किए। ऐसे लोग जो अपने बड़ों के साथ बड़े होते हैं, वे ऐसे प्रकार हैं जिनसे ये जीवन सबसे अधिक घृणा करते हैं। हालांकि कुछ महान मूल के हैं, लेकिन उनमें उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। ये कुछ नहीं है। जाहिर है सिल्वर मून सिटी के भगवान के बेटे के साथ ऐसा मामला नहीं है। ये जीवेन की बातें सुनकर सिल्वर मून सिटी के भगवान ने तुरंत अपना चेहरा नीचे खींच लिया। अपने स्वभाव के अनुसार उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो जाए। यहाँ तक कि स्वर्गीय पूज्य भी कोई अपवाद नहीं थे। वर्षों से वह दुनिया से बहुत ऊपर था और उसने साधारण स्वर्गीय पूज्य को भी नजरअंदाज कर दिया था। यदि वह अच्छे मूड में होता तो वह उसे ताओवादी मित्र कहता। अगर उसका मूड खराब हो तो वह कुछ भी भद्दा कह सकता है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में केवल चार स्वर्गीय श्रद्धेय ही बोल सकते थे और अन्य गॉड सिटी के मालिक उसे थोड़ा बगल में दिखा सकते थे। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन के शब्द इतने उग्र होंगे। यह उसके चेहरे को नहीं फाड़ रहा था, बल्कि चांदी के शहर के भगवान के चेहरे को फाड़ रहा था और फिर टूट रहा था। मौजूद कई युगों के युद्ध क्षेत्रों के देवता यूचेन सिटी लॉर्ड के बेटे को नहीं जानते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि यूचेन सिटी लॉर्ड इस बच्चे से प्यार करते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह अराजकता में अकेला भटकता था और एक प्राचीन युग के सम्राट द्वारा उसका पीछा किया गया और उसे मार डाला गया। नतीजतन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूचेन सिटी लॉर्ड गरिमा की परवाह किए बिना अराजकता की गहराई तक जाएंगे, अंत में उसे मार डालेंगे। इसके बाद हर कोई पहले से ही जानता है कि चांदी के चंद्रमा शहर के भगवान अपने बच्चों से प्यार करते हैं।
इस मुद्दे पर कोई भी अपना दाग उजागर करने को तैयार नहीं है। ये ज़िवेन एक नवागंतुक है। वो स्पष्ट रूप से इस युग में युद्ध के मैदान पर डिफॉल्ट नियम नहीं जानता है। ये चेहरे पर करारा तमाचा है और ये चेहरा तो बड़ा क्रूर है। कुत्ते यानी कि कुत्ता कौन है, यानी चांदी की चांदनी नगरी का स्वामी कौन है। उधर रजत चंद्रनगरी के स्वामी भगवान का पुत्र भी क्रोध से जल उठा। वह इतने वृद्ध थे कि उनका इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था। सिल्वर मून सिटी के भगवान के बेटे के रूप में वह बचपन से ही हवा और पानी के साथ रहे थे। उसकी खेती में सिल्वर मून सिटी के भगवान ने उसे हर कीमत पर खाना खिलाया और वह सामान्य समय में लापरवाही से व्यवहार करता था। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता है वह सिल्वर मून सिटी के भगवान को अपमानित कर रहा है। विशेष रूप से सिल्वर मून सिटी के दायरे में कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। अब यह उसे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसका तिरस्कार करने के लिए है। उसे कुत्ता कहने का ये पहला मौका है। तुम बूढ़े कुत्ते, क्या बकवास है। अचानक सदमे और गुस्से के एक क्षण में वह चिल्लाया। ये ज़िवेन ने थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा, चांदी के नगर के स्वामी का पुत्र तो बिजली गिरने के समान और भी अधिक था। पूरा व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और अधिक असहनीय हो गया। अन्य तियानेजुन ने भी घृणा की दृष्टि डाली। वे पहले ही अपना पक्ष खो चुके थे इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि सिल्वर मून सिटी के भगवान के बेटे ने तियानेजुन पर चिल्लाने और तियानेजुन के बूढ़े कुत्ते को डांटने की हिम्मत की, जिसने तियानेजुन की वर्जना को छू लिया है। भले ही यह उन्हें डांटना नहीं है, फिर भी यह उन्हें असहज महसूस कराएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शिविर है, वे सभी इस समय एक खाई में हैं। अगर ऐसे लोग उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो क्या भविष्य में कुछ लोग उन पर चिल्लाने और बूढ़ा कुत्ता कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये ज़िवेन को डांटने जैसा लगता है, लेकिन उन्हें डांटना भी उचित है। मैंने मन ही मन उनको इस प्रकार डांटा। मैं वास्तव में इस आदमी के अहंकार के कारण ऐसा विचार उठाने का साहस कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा विचार स्वर्गीय गुरु के प्रति अपमानजनक है। यदि चांदी के शहर के भगवान का चेहरा न होता तो किसी ने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। जब तू ज़िवेन ने राक्षस सम्राट को मार डाला तो उसे कई स्वर्गीय देवताओं ने गुप्त रूप से निशाना बनाया। यही कारण है कि उन्होंने और सिल्वर मून सिटी के भगवान के बेटे ने सभी की नाराजगी का कारण बना और कड़वी नफरत साझा की। लगभग तुरंत कोई भी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन सिल्वर मून सिटी के भगवान ने ये ज़िवेन को सीधे गुस्से से पकड़ लिया। मेरे बच्चे को पढ़ाने की बारी आपकी नहीं है। जब चांदी के शहर के स्वामी ने क्रोध से कदम उठाया तो सभी को अचानक एक बड़ा दबाव महसूस हुआ और उन सम्राटों को भयानक दबाव महसूस हुआ, जैसे कि वे दुनिया को नष्ट करने जा रहे हो। विशेष रूप से बियान शियाओयू पर सीधा प्रभाव पड़ा और उसके सफेद चेहरे से अचानक गाढ़ा पसीना निकल आया। येन्यू शहर के भगवान ने बस थोड़ी सी गति जारी की, जिससे उसके जैसे सम्राट को लगा कि पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है और उसके अपने तरीके पर संदेह किया जाना चाहिए, जो अभी भी एक अभूतपूर्व स्थिति थी। ये ज़िवेन ने थोड़ा सा कदम उठाया और बियान ज़ियाओयू के सामने खड़ा हो गया। अचानक बियान ज़ियाओयू को महसूस हुआ कि पहाड़ और सुनामी जैसा भारी दबाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि यह सम्राट के लिए एक भयानक दबाव है, तो ज़िवेन के लिए जो भगवान भी है, भले ही उनकी खेती सिल्वर मून सिटी के भगवान जितनी अच्छी ना हो, वह थोड़े से दबाव से कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये ज़िवेन येन्यू शहर के सिटी मास्टर के खिलाफ लड़ने जा रहा था, डोन तियानेजुन सीधे बगल से आया और सिटी मास्टर के बड़े हाथ को अदृश्य कर दिया। डूंगतिया नजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ताओवादी दोस्तों को युवा पीढ़ी के मामलों पर गुस्सा क्यों होना चाहिए। इसके अलावा गुनी भतीजे को वास्तव में इसकी अच्छी देखभाल करने की जरूरत है, कोई बड़ा या छोटा नहीं।